उसको दा दे ले। तुसी करो, शुरू करो। हालेलुया। तो ठीक है पिता जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी का। तो ठीक है स्वर्गीय पिता ताड़ा बहुत सारा धन्यवाद करते हैं खुदावन अज के दिन के लिए अज समय के लिए परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर पवित्र समा सानू दिता परमेश्वर तोड़ा मैं बहुत सारा धन्यवाद करनी मेरे प्यारे खुदावन सचमुच मेरे परमेश्वर जी अज जो भी परमेश्वर जो भी परमेश्वर ताड़ी इच्छा और ताड़ी मर्जी साढ़े जीवन में पूरी होवे मेरे प्यारे खुदावन और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हाँ परमेश्वर सबना ही परमेश्वर सचमुच खुदावन अज हर एक मन और हिरदे तुम खोल चुके हो परमेश्वर जी और परमेश्वर जी अपनी इच्छा और मर्जी पूरी कर चुके हो परमेश्वर और खुदावन अपने दास के द्वारा वे वे कामों कर चुके हो परमेश्वर ता मैं बहुत सारा धन्यवाद करती खुदावन सचमुच खुदावन जिम्मे मैनू हम एरे क्ड के परमेश्वर तुम चानन लैके आए खुदावन हर एक के जीवन में परमेश्वर इवें ही तुम चानन लैके आ चुके परमेश्वर जी ताड़ा मैं बहुत सारा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर सचमुच मेरे परमेश्वर जी असी तेरे नाल परमेश्वर पवित्रताई में चलन वाले बन चुके हैं मेरे प्यारे खुदावन ताड़ा बहुत सारा धन्यवाद करती प्रभु जी तुम साढ़े पापा लिए खुद को सलीब ते दिता परमेश्वर साढ़े लिए कोड़े खाधे परमेश्वर जी ताड़ा धन्यवाद करती है प्रभु यीशु ताड़ा धन्यवाद करती मेरे महान पिता परमेश्वर जी सचमुच खुदावन जो भी परमेश्वर असी इस मीटिंग परमेश्वर प्रार्थना वाली मीटिंग शुरू कर जा रहे हैं परमेश्वर साड़ी मदद और सहायता करो परमेश्वर सचमुच खुदावन तेरा पवित्र आत्मा साड़ी अगवाई करे परमेश्वर सचमुच खुदावन असी अपनी बुद्धि नाल नहीं परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा दे नाल परमेश्वर जी जो भी काम शुरू कर जा रहे हैं परमेश्वर साड़ी मदद और सहायता कर परमेश्वर अपने लोगों के मनों नूं खोल दे मेरे प्यारे खुदावन सचमुच खुदावन जिवें परमेश्वर जी तुहाड़े वचन च लिखा होया मंगोगे दिता जाएगा सचमुच खुदावन जो भी तेरे को मंगते ने परमेश्वर तुसी दिंदे हो मेरे प्यारे खुदावन ताड़ा मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हाँ परमेश्वर सचमुच खुदावन आज दे वचन दे नाल परमेश्वर जी जो भी परमेश्वर तेरा वचन सुन के जान परमेश्वर जी सचमुच खुदावन उन्हां दे मन और हिरदे परमेश्वर छज चुके ने परमेश्वर सचमुच खुदावन अज जो भी शैतान दे बंधन ने परमेश्वर और टुटन परमेश्वर तुसी उन्हां दे गढ़ां नूं तोड़ चुके हो परमेश्वर सचमुच खुदावन अज जिन्ने भी लोग दुखी ने परमेश्वर सचमुच मेरे परमेश्वर जी तेरे घर विचों शिफा लैके जान मेरे परमेश्वर जी तुहाडा मैं बहुत सारा धन्यवाद करदी मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु तुहाडे जलाली और पवित्र नाम विच मंगदी हां आमीन। तो हालेलुया हालेलुया जोर से बोलेंगे हालेलुया और असी सब खुदा दी आराधना चाहवांगे सब असी दिल और रूह तो अगर तुसी अपने आप नू ठीक है तो बैठ सकते ठीक है परमेश्वर दास पोलस जी ने क्या कि जो मैनू सामर देंदा उच मैं सब कुछ कर सकदा बोलो जो मैनू सामर जो मैनू ताकत देंदा उच मैं सब कुछ कर सकदा तुसी की कर सकदे हो किन्ना चिर खुदा दे लई खड़े रह सकदे हो इसलिए अज मैं इस खुदा दे उस पवित्र मंच दे उपर उस पवित्र हाइकल दे विच तुहाडे नाल ही रवांगा समझने क्योंकि खुदा दा बल बड़ा उच्चा है पर किन्ना दे लई जेड़े विश्वास करते हैं ठीक है तो आओ असी जेड़े चाहते ने कि खुदा मैनू बल दे उसकी आराधना किस तरह करा उसकी आराधना किवें करा किवें करना चाहते ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮਾ ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ 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 ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਛੂਨੇ ਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਪਾਕ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏਗਾ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਬੋਲੋ ਛੂਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦੇਗਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿਰਦੇ ਔਰ ਮਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੌਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ
बोलो कम हो गया और अज होने वाले ने यीशु मसीह दे जिंदा पवित्र नाम दे विच आमेन। आओ असी सब आराधना चाहेंगे। यीशु दिया करो सदा शुक्र गुजारियां जेड़ा तंदुरुस्ती देवे जीवन दे देवे रल मिल करो सदा शुक्र गुजारियां यीशु दियां 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 करो सदा जेड़ा तंदुरुस्ती देवे जीवन दे देवे जेड़ा तंदुरुस्ती देवे जीवन दे जेड़ा तंदुरुस्ती देवे जीवन दे देवे जेड़ा तंदुरुस्ती देवे जीवन दे देवे रल मिल करो सदा शुक्र सब गल्ला सारियां यीशु दियां
दिया करो सदा शुक्र गुजारिया यीशु दिया करो सदा शुक्र गुजारिया यीशु दिया करो सदा शुक्र गुजारिया यीशु दिया करो सदा शुक्र बढ़कर खुदा की आराधना करें, क्योंकि वही एक सच्चा परमेश्वर है इस दुनिया में, जिसने सच्चा प्रेम किया हमारे जीवन की हर जरूरत के लिए, हमारी हर एक मुश्किल के लिए, हमारी हर थोड़ के लिए उसने प्रेम किया है। इसलिए दिल और रूह से उसकी आराधना करें, प्रेम से भरकर खुदा से मांगें कि वो सबको देने वाला सच्चा खुदा है, वो आपका सच्चा चरवाहा है। इसलिए बोलो कि खुदा मेरे जीवन की चराही तू करने वाला है, जैसे दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरा सच्चा चरवाहा है और मेनू सुखदायक चरनियां दे को लेके जाएगा, मैनू हर एक अच्छी जगह ते लेके जाएगा, क्योंकि सच्चा खुदा है, उसने तानू अपने कोल बुलाया है। इसलिए दिल और रूह से उसकी आराधना करे, रूह से बढ़कर। छुटकारा है
जेड़ा तंदुरुस्ती देवे जीवन दे सा देवे
दिया करो सदा शुक्रगुजारियां, यीशु 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 दिया करो सदा जेड़ा तंदुरुस्ती देवे, जो जीवन दे देवे, रल मिल करो सदा शुक्र गुजारी, यीशु दिया करो सदा शुक्र गुजारियां, यीशु दिया करो शुक्रगुजारियां, शुक्रगुजारियां। आमीन आमीन। दिल से रू से प्रभु परमेश्वर जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं। इस वर्शिप सॉन्ग के द्वारा असं परमेश्वर की महिमा करेंगे। नासरी दा यीशु कहता है, मेरा हुक्म है जी।
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਦਾਇ ਮੇਰਾ
स्वर्ग जो आया है उस विच ताकत है, उस विच ताकत है, उस विच ताकत है, उस विच ताकत है। Yeah.
Thank you.
शाफी तेरा कमाल देखा, मैं 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 शाफी तेरा कमाल देखा, हर पासे तेरा जलाल 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 देखा, मैं शाफी तेरा तेरा कमाल देखा, मैं शाफी
से दिल से रूह से से दिल से तारीफ करेंगे उस खुदा की, वो महिमा के योग्य है।
इस दुनिया में कौन छुड़ाने की ताकत रखता है? कौन रखता है? अब कितने विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन के हर दुख को, हर पीड़ा को वो मुझे आजादी देने के लिए स्वर्ग से आया है? कितने लोग विश्वास करते हैं? आया कि नहीं आया? अगर वो आया तो किस लिए आया? इस बात को अपने मन में अच्छी तरीके से बैठा लो ताकि पाप और शैतान कभी भी आपको किससे दूर ना ले जाए, किससे दूर ना ले जाए। इसलिए उसमें खूब जियो, मन लगाकर जियो। क्या जियो? खूब जियो और मन लगाकर जियो, क्योंकि उसने कौन सा हमें जीवन दिया? कौन सा जीवन दिया? कौन सा जीवन दिया? चोखा, अबंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन, जो किसके नाम से मिलता है और हर एक को मिलता है कि कुछ कुछ को मिलता है, क्योंकि वो खुदा किसी का पक्षपात है? वो सबको जीवन देने के लिए स्वर्ग से आया और सबको अच्छा जीवन देने के लिए उसने क्रूस पर इतना दुख उठाया। इसलिए जो श्वास करेंगे, उसके साथ जिएंगे, उसकी महिमा को, उसके जलाल को वो देखेंगे अपने जीवन में। आमेन। वो देखेंगे सब। जो परमेश्वर सागर को भी धो भाग करने की क्या रखता है? ताकत रखता है, रखता कि नहीं रखता? इसलिए वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हमारा भरोसा, हमारा ईमान, हमारा विश्वास जितना होगा, जितनी हमारे जीवन में उसकी खरियाई, उसकी सच्चाई होगी, उतना ही हम आगे जाएंगे उसके साथ। समझे? इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा बल, मेरी पनाह, मेरा गढ़ है, मैं कभी ना डिगांगा। बोलो, मैं कभी नहीं डिगांगा। आप विश्वास कर दियो कि हालात मैनू कभी डेग नहीं पाएंगे, हालात मैनू उसते प्रेम तो कभी भी दूर नहीं पैणगे। कोई गरीबी, कोई संकट, कोई हालात, कोई भी चीज, चाहे पैसा क्यों नहीं, मैनू अपने उस खुदा तो दूर ले जा नहीं सकते। ना पीड़ा, ना दुख, ना बीमारी, ना महंगाई, ना नंगाई, ना जोखम, कोई चीज मैनू उसते प्रेम तो दूर नहीं कर सकते। और जो लोग इस तरह जीनगे, खुदा दी प्रतिज्ञा, उदा वादा या उन्हां वचना दे लई, उन्हां दे लई उन्हां दे जीवन नूं ओ चमकाएगा इस दुनिया च। बोलो, की करेगा? वो चमकाएगा। और ये तुहाडे उत्ते निर्भर आ, तुसी इस जीवन नूं किवें लैणा चाहुंदे हो। इसलिए बैठ जाओ सब अपनी जगह ते, खुदा तुहानूं बहुत आशीष देवे। सब बैठ जाओ। आज दियां सी टेस्टमनियां, आज दियां गवाहियां नूं सुनांगे जो परमेश्वर ने साडे विच रह के अपने कम्मां नूं कीता आ, और वह करदा ही जाएगा। कदी ना रुकन वाला परमेश्वर है, समझदे हैं? ना जशाया नबी ने कहा, ना थकदा, ना सौंदा, ना हंगलाउंदा, ना शर्मित हुंदा। समझदे? वो ऐसा परमेश्वर। तुसी अद्धी रात भी अगर उन्हें पुकारो तो तुहाडी पुकार नूं की करदा? सुनदा है। बोले, की करदा? अद्धी रात नूं भी तुसी उन्हें पुकारो तो तुहाडी पुकार नूं की करदा? हूं तदों भी सुनदा है। इसलिए ऐसा परमेश्वर जो 24 घंटे 24 हवा तुहाडे लई तैयार है। पर तुसी जिन्ना तैयार हो उन्ना खुदा है। वो तो कभी भी इस तरह नहीं है थक गया, सो गया। समझ? वो ऐसा परमेश्वर, वो 24 घंटे साढ़े नाल तैयार है। जदों भी तुसी उन्हें पुकारदे हो, अपने मन नूं उस खुदा दे कोल लेके जांदे हो, तदों तुहाडी आवाज नूं सुनदा और उत्तर देंदा है। आमेन। तो इसलिए गवाही जो साडी टेस्टमनी है, जो असीं खुदा नूं कित्थों पहचान पावांगे, कित्थों पहचान पावांगे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो कोई भी मेरे कोल आउंदा आ, ये विश्वास करे
इसलिए विश्वास के नाल नाल एक तीरस भी जरूरी है। बोलो कि एक तीरस शब्द भी जरूरी है, और जो लोग रखते हैं वो तीरस रखते हैं वो उस खुदा की महिमा वेखते हैं। जो रखते हैं तीरस वो की करते हैं खुदा की महिमा वेखते हैं। तो इसलिए असी परमेश्वर के किए हुए उपकारा उदिया भलियाइया सुनेंगे अपने जीवन च, और सब बड़ी चौकसी के नाल बहुत मन नाल, पता नहीं किस किसी एक शख्स की गवाही दूसरे का जीवन बदल सकती है। की कर सकती है? किसी एक शख्स की गवाही दूसरे का जीवन। वो सोचे कि अगर परमेश्वर उदे नाल कर सकता तो मेरे नाल नहीं कर सकता, क्योंकि सब दा परमेश्वर, अगर उदे नाल कर सकता तो मेरे नाल भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए आओ असी बड़े ध्यान दे नाल इन सब टेस्टमनियां नूं सुनांगे उस खुदा दी महिमा ली, और सब चौकस हो जाओ क्योंकि गवाही भी एक किदा वचन है। किदा वचन है? बोलो किदा वचन है? तो इस गवाही नूं अपने जीवन च लेके जाना और याद रखना है, कदी नहीं भुलना। जिवें इस पवित्र बाइबल च मत्ती मरकस लूका यूहन्ना दे विच जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे कोड़ी अन्ने लंगड़े अधरंगियां नूं की कीता, चंगा कीता, समझदे आ? तो अज भी असीं सुणदे आ ना, दसदे आ कि यीशु मसीह ने अन्ने नूं इदां चंगा कीता, लंगड़े नूं इस तरह चलाया, गूंगा इस तरह बोलिया, बैरे ने इस तरह सुनिया, समझदे हो? सुणदे आ ना? तो इच भी बहुत सारियां गवाहियां ने जिहड़े काम ने जिहड़े प्रभु यीशु मसीह ने। पर यीशु मसीह ने कहा मेरे जान तो बाद भी, मेरे तो जान तो बाद भी तुसी मेरी उस महिमा नू देखोगे। मैं कदी भी, यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू कहा, मैं जगत दे अंत तक तुहाडे साथ रवांगा, कि रवांगा और मैं कदी नहीं तुहानू छड्डांगा। इसलिए खुदा साडे नाल आ, सच्चा परमेश्वर साडे नाल आ, इस कारण साढ़े जीवन च की हो रहे ने, काम हो रहे ने। तो आओ असी सुनांगे परमेश्वर दी भलाइयां। तो हालेलुया। तो इन्हां दा नाम निंदर आ और मालां दे रहण वाले ने, और प्रेर जी ये दसदे पए ने कि इन्हां दी खब्बी लत्त विच बहुत ज़्यादा दर्द सीगा, और ये दस रहे ने कि अग दी तरह उहदे विचों सेक निकलिया सिया, और दस रहे ने कि परमेश्वर दे दास दे मुख तों हीलिंग हुई, और परमेश्वर के दास के मुख तो परमेश्वर ने बोलिया कि परमेश्वर का आत्मा मैनू दस रहा है किसी की लत्त विच, खब्बी लत्त विच बहुत ज़्यादा दर्द आ, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम के वो फ्री हो रहे हैं, और ये दस रहे हैं कि मैं विश्वास किया, और परमेश्वर ने बोलिया कि परमेश्वर तुसी मेरे लिए कर चुके हो। ये दसते पे ने कि जो मैं विश्वास किया उस वेले परमेश्वर ने मैं आजाद कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी और जिंदा नाम के, और तारीफ करांगे परमेश्वर की, तारीफ तारीफ कलीसिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेर जी इन्होंने प्रिया बीरबल तो आए आ, और इन्होंने दसिया है कि परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इन्हों इस बच्चे दे नाल, बेटे नाल इन्हों ब्लैस किया वा, और इस वड्डी खुशी दे नाल परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। और सैकेंड गवाही इन्होंने दसी आ कि जो इन्हों का बेटा होया सी और 20 दिन का बेटा सी इन्हों का, तो इस बच्चे नू लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई सी बहुत ज़्यादा, इवें 2 दिन बच्चे नू लूज मोशन रही, और इन्हें दसिया कि इन्होंने मेडिसन भी लई पर कोई फर्क नहीं पिया, और इन्हें दसिया कि प्रेर जी तुहाडे द्वारा इस बच्चे की प्रे करवाई गई और परमेश्वर ने इन बच्चे की प्रे की, और इन्हें दसिया कि जिवें तो लूज मोशन नहीं सी सही हो रही, और इन्हों डर सी कि इस बच्चे का में पानी ना कट जाए, तो ये डॉक्टर को लैके गए फिर, और डॉक्टर ने इन्होंने दसिया कि हाँ जी बच्चा छोटा तुहाडा और यदा पानी इवें घट भी सकता वा, और उन्होंने एक इन्हों पाउडर दिता जो पानी में घोल के इन्हों दसिया गया कि तुम बच्चे पिलाना वा, पर इन्हें दसिया कि उस पाउडर के नाल भी कोई फर्क नहीं पिया, और फिर प्रेर जी इन्होंने तुम्हें कॉल किया और दसिया कि मैं मेरा बेटा में सही नहीं, और प्रेर जी तुम दसिया कि जो परमेश्वर वालों पहला प्रे और चंगियाई हुई है भी तुम उत्ते विश्वास करो परमेश्वर उस बच्चे वधिया कर चुका वा, तो इन्होंने उसे विश्वास किया कि प्रभु थोड़े वालों चंगियाई उस समय आई सी, पर इन्होंने अपना मन नहीं सी दिता,
तो जो इन्होंने अपना मन दिता और फास्ट रखे और प्रे की तो अज बच्चा इन्हों का डेढ़ महीने का हो गया कहें कि उस तो बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अज इन्हों का बच्चा पूरी तरह फ्री आ और इस गवाही यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुनो 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 एक चीज जिमी क्योंकि जिस जो तो खुदा के वचन में जानता है उन्होंने नियम का भी पता है बोलो कि उन्होंने नियम का भी पता है यीशु मसीह ने सिखाया नियम इदा नहीं कि नहीं सिखाया तो सानू नियम नू समझना पड़ेगा बोलो कि करना पड़ेगा समझना पड़ेगा फिर समझ के उहदे उपर तीरस भी करना पड़ेगा। मान लो अगर जिहड़ी चंगियाई है चंगियाई किहदे वल्लों आ बोलो किहदे वल्लों आ परमेश्वर दे वल्लों आ तो अगर किसी नू बोलिया जाता जा दसिया जाता आ तो अगर मान लो नहीं भी काम होया क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जिवें बारिश आकाश तो आती है तो धरती उपर पैंदी और कदी व्यर्थ ठहर के परमेश्वर ने कहा मेरे कोल वापस नहीं जाती ते मेरा वचन आ जिस काम के लिए मैं भेजदा उन्हें पूरा पूरा करदा। तो कदी कदी की हुंदा है कि विश्वास करने वाला व्यक्ति हालात के सामने इन्ना ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाँगा कि नहीं कर पाँगा नहीं कर पाँगा इस करके वो शायद सोचता कि मेरा काम अजे फिर वो अपना मन और जगह पर जा फिर सोचेगा मैं फिर तो प्रार्थना करावा दूजी बारी करावा क्योंकि प्रार्थना अगर एक बारी होगी है ना इस विषय है ना यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा चेलिया सिखाया कि जिवें पहाड़ नूं तुसी कहो इतों उखड़ ते समुंदर विच जा पा पर अपने मन विच परम ना करो शक ना करो प्रतीत करो कि जो कुछ असी प्रार्थना करके मंगदे हां जां कहने हां वो हो गया है। की हो गया जो कुछ भी मंगया वो हो गया है। तो सानू समझना पएगा जो असी बोल दिता वो परमिशन कर चुके उन्हें दोबारा दोबारा अपने जीवन च उस गल नूं लैण दे नहीं कि होया नहीं उस तो बाद खाली धन्नवाद करो परमेश्वर दा कि हाँ मेरे जिंदा परमेश्वर जो तेरा वचन आया सी मेरे लिए चंगियाई आई आ और की आ होगी पर कदी कदी जो नियम दा पता नहीं हुंदा इस कारण इंसान अपना मन दो चित्ता भी कर लैंदा है की कर लैंदा दो चित्ता कर लैंदा पर परमेश्वर जो बोलदे हो चुका है और सब दे लिए हो चुका है जिवें इन्हां नूं समझ आई समझाया गया कि नहीं चंगियाई इको वारी और परमेश्वर कर चुका और उसे चंगियाई ने खुदा ने जो कम क्योंकि एडा बच्चा ये छोटी जी गल नहीं है वेखन च तुहानूं नॉर्मल लगती है कि लगती है कुछ भी हो सकता एडे छोटे बच्चे की अगर ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाए तो कुछ भी हो सकता समझ है मेरी गल नूं छोटी गल नहीं है पर सानू समझना पड़ेगा इसलिए खुदा दी तारीफ भी जोर से पूरे जोर से असीं परमेश्वर दी तारीफ करांगे पूरे मन से तो हालेलुया तो प्रेर जी इन्हों नाम अमन है और सोइया के रहने वाले ने दसते पे ने कि इस जगह से असं दो ब्रदर रहने और इन्होंने बोलिया कि इस तरह मैं खाना बनाया और तुहाड़े वास्ते लैके आनी हाँ और असी उस दिन किसी संगति से जाना सीगा तो मैं इन्होंने बोलिया कि मैं तो रब दे दास नाल जा रहा वहाँ लेकिन जिहड़ा दूसरा ब्रदर है तुसीं उन्हां वास्ते खाना लै आना और ये दस रहे ने कि मैं खाना लैके जदों मैं बोलिया इस तरह तो खाना लैके आना सीगा और असी उस जगह से संगति भी चले गए और खुदा दे दास ने बोलिया कि सब जन प्रार्थना करो तो असी प्रार्थना कर रहे थे उस जगह पर और मैं देखिया प्रार्थना करते करते कि परमेश्वर दे आत्मा ने मैं इस तरह दिखाया कि ये आ रहे ने आटो दे विचों और दूसरे मैं ब्रदर नूं बोलिया सीगा कि तुसी सड़क ते जाके ही वो खाने नूं लै लेना और ये दस रहे ने कि इधरों ब्रदर जा रहा सीगा तो ये खाना लैके आटो दे विचों निकल लगे सी इस तरह और परमेश्वर दी आत्मा ने मैनूं दिखाया कि
ये खाना फड़ा रहे ने और बहुत तेज़ एक बाइक पिछों आती आ और इन वज जाती आ और मैं जो क्या तो परमेश्वर ने बोलिया कि परमेश्वर इस तरह वैसे तो ना हो मेरे खुदावंत परमेश्वर अगर होने वाला है तो पिता परमेश्वर कोई सट ना लगे कोई प्रॉब्लम ना हो परमेश्वर तुम बचा चुके इन्होंने तो ये दस रहे ने कि जो मैं आटो के खाना फड़ाने वास्ते ब्रदर न बाहर निकली तो एक बहुत तेज बाइक आई जो मेरे विच वजी और अजे मैं इन्नी गल परमेश्वर के नाल करते इन्हों कॉल कर लगा सीगा और दसन लगा सीगा कि तुसी बड़े ध्यान नाल खाने नूं फड़ाना मैनू हुणे हुणे परमेश्वर की आत्मा ने दस्या है कि तुहाडा एक्सीडेंट हो रहा रोड के उत्ते और अजे इन्नी गल करन वाला सीगा तो इन्हां नूं मैं कॉल की और इन्हां नूं मैं बोलिया कि तुसी बड़े ध्यान नाल जाना लेकिन इन्हां ने कहा कि हुणे हुणे ही एक बाइक आई और मेरे विच वज गई है लेकिन परमेश्वर ने मैनू बचा दिता और मेरी अखा विचों पानी निकल आया कि परमेश्वर तू बड़ा भला है तू बड़ा सामर्थी है परमेश्वर अगर मैं ना बोलता हो सकता इन्हां दी लत जां बांह जां कुछ भी एक्सीडेंट जिन्ना जबरदस्ती का कुछ भी हो सकता सीगा जो इन्हां दे हाथ विच ये जैकट फड़ी हुई है ये जैकट सारी खराब हो गई सारी फट गई ये आप डेपे दो तीन बाजियां भी इन्हां दी लगियां पर परमेश्वर ने इन्हां नूं बचा के रखिया और ये दस रहे ने कि जो बाइक पिछों आ रही थी वह भी दो जने सीगे लेकिन परमेश्वर ने उन्होंने बचा के रखिया कुछ नहीं हुण दित्ता और खाली थोड़ी जी दर्द सी इन्हां दे पैर विच और थोड़ी स्वैलिंग सी और ये दस रहे ने कि कल दे दिन जो जिथे संगति हुंदी है मतलब कि जो असीं प्रार्थना करते हैं अज दे दिन दे लई तो कह रहे मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मैनू दर्द तो भी ज़्यादा कर दिता इन्हां कोई मेडिसिन नहीं कोई चीज़ भी नहीं इन्होंने इस्तेमाल की और परमेश्वर ने इस तरह इन्होंने चंगा कर दिता यीशु मसीह सामर्थी और जिंदा नाम के और इस गवाही के लिए परमेश्वर की खुदा की तारीफ करांगे परमेश्वर की तारीफ करांगे परमेश्वर की बलविंदर कौर जहांगीर पिंड के रहने वाले आ और इन्हें दसिया कि जो वीरवार की मीटिंग से आए थे और इन्हों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब सी इन्हों का बीपी हाई सी और इन्होंने बुखार से और इन्फेक्शन भी सी पेट में और इन्होंने दसिया कि मेरे को संगति में बैठा भी नहीं सी जा रहा मेरा मन कर रहा है कि मैं चल जा जा कहिंदे कि मैनू लग रहा है जिवें मैं लेट जा पर एवं चंगा नहीं सी लगना कहिंदे कि मैनू बहुत ज़्यादा एवं मुश्किल हो रही थी बहुत ज़्यादा मैं परेशान सा बैठन करके भी और कहिंदे कि मैं वचन ते एवें सो रही थी पर मेरा मन भी नहीं सी लग रहा और मैं कह भी रही थी कि परमेश्वर तुम वधिया कर चुके जो और जो समाप्ति हुई मीटिंग की और प्रेर जी ने दसिया प्रेर जी तुहाडे मुख तो आया कि जो अज परेशान ने किसी हालात में ने वो सब अगे आ जाण और प्रेर जी तुहाडे द्वारा वचन आया और इन्होंने बोलिया गया सब कुछ और भी लोग से और उन्होंने भी बोलिया गया कि अज तो तुसी फ्रीज हो तो जो ये घर गए तो कहिंदे घर जांदे जो मैनू इन्नी प्रॉब्लम सी कहिंदे मैनू प्रभु ने पूरी तरह ही आज़ाद कर दिता और अज तो अजे पूरी तरह फ्री ने और कोई प्रॉब्लम नहीं आ इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और असीं तारीफ करांगे यहोवा परमेश्वर दी तारीफ करांगे परमेश्वर दी यीशु दे सामर्थी नाम दे विच तो प्रेरित जी इन्हां दा नाम लख सिंह जी ने और माला दे रहन वाले ने ये दसदे पए ने कि इन्हां ने परमेश्वर की संगति विच आना सीगा और ये दस रहे ने कि एक वार्ड का काम करते ने और ये दस रहे कि मैं उस दिन बस 100 रुपया ही कमाया सीगा और मेरे अंदर प्यास सीगी कि परमेश्वर मैं कल संगति जाना वा और बस मेरे को 100 ही रुपया वा इहदे नाल मैं नहीं जा सकदा परमेश्वर तुसी इंतजाम कर चुके हो और ये दस रहे ने कि प्रार्थना ही करदा आ रहा सीगा और कहिंदे जो रास्ते दे विच आया तो मैं की देखिया कि एक 500 दा नोट मेरे अगले चक्के दे सामने पिया होया सीगा और ये दस रहे ने कि मैं उठाया और खुदा दा धन्नवाद कीता कि परमेश्वर तू बड़ा भला है परमेश्वर तू साडी आवाज़ नूं सुणदा है और ये दस रहे ने कि मैं उन्होंने नोट नूं चुकिया और परमेश्वर अज इन्हां नूं इस संगति विच लै के आए ने और इस गवाही ले खुदा का धनवाद कर देने शब्द सामर्थ्य नाम लिए तारीफ करा परमेश्वर की परमेश्वर के कामों की तारीफ करा तारीफ प्रेर जी इन्हों का नाम गुरमीत कौर है मक्खन मिंडी पिंड के रहने वाले आ और इन्हें दसिया कि 20 दिन पहला इन्हों 20 दिन हो गए थे इन्हों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द रही और बहुत ज्यादा से इन्होंने वास्ते कहते कि
मेरे को घर का काम भी नहीं सी हुंदा भी और इन्हें दस्या कि जो डॉक्टर ने चैकअप करवाने लिए गए तो डॉक्टर ने बोलिया कि तुहाडे पथरी की दर्द आ। तो इन्होंने उस समय विश्वास किया कि प्रभु जी मेरे लिए नहीं है, तुसी बिल्कुल मैनू अज तो फ्री कर चुके जो। और जो पिछले संडे संगति में आए और प्रेयर से तुहाडे मुख तो हीलिंग हो रही थी कि जिन्हों के पेट में कोई भी प्रॉब्लम है जो फ्री हो चुके हैं और इन्होंने अपने मन में लगाया और विश्वास किया हीलिंग से और कहते कि एक हफ्ता पूरा हो गया कि मैं कोई दर्द नहीं हुई, प्रभु ने मैनू उस दर्द तो आज़ाद कर दिता। इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सैकेंड गवाही इन्होंने दसिया कि इन्हों का मोबाइल फोन गवाच गया सी और जो इन्होंने विश्वास किया कि प्रभु मेरे लिए नहीं गवाचा, तुसी मैनू दे चुके जो। और ये प्रार्थना में बने रहे और पिछले संडे जो संगति च आए थे और अनाउंसमेंट करवाई गई लास्ट में कि इवें फोन गवाच गया वा, अगर किसी को मिले तो मतलब दे दें। और इवें इस पिंड दे विच रस्ते विच जाने आ, रस्ते विच आंटी जी का घर आता और उन्होंने कोल ही फोन और उन्होंने अनाउंसमेंट सुनी सी और जो चाहन के इवें उन्होंने कोल गए और इन्हों के मन च भी परमेश्वर ने लगाया कि तुम उन्होंने पूछो और जो इन्होंने पूछे और उन्होंने बोलिया कि फोन मेरे को, एक हफ्ते तो मेरे को फोन थोड़ा पर मैं किसी को नहीं दिता क्योंकि मैंने ये कि जो कोई आएगा तो अपने आप ही पूछ लेगा। और परमेश्वर ने फोन संभाल के रखिया और अज इन्हों परमेश्वर ने फोन भी दे दिता वा। और इस दोनों गवाइया लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद कर दे। तारीफ करांगे यहोवा परमेश्वर की, तारीफ करांगे खुदावंद परमेश्वर की। तो इन्हों का नाम सुमन है और सोइया के रहने वाले ने। दसते पे ने कि इन्हों बवासीर की प्रॉब्लम करके अज इन्ह ने परमेश्वर की संगति में आना सी लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होने लग पी और ये दस रहे ने कि मैं प्रेयर टावर में इस तरह कॉल की और प्रार्थना को करवाया और दस रहे ने कि जो ही प्रार्थना की गई और परमेश्वर ने उस वे मैं सारी दर्द तो आजाद कर दिता। शुभ सामर्थ्य जिंदा नाम के तारीफ परमेश्वर की हर एक काम के लिए तारीफ करें। प्रेज जी इन्हें दसिया वा इन्हों का नाम अदीप कौर है, वल्ले पिंड के रहने वाले आ और इन्हें दसिया वा कि इन्हें घर में एवं टी वी से और एवं खराब हो गया सी और उस टी वी ने इन्होंने काफ़ी उच्चे स्टैंड पर रखे होया सी और इन्होंने दसिया कि एवं मकैनिक नूं विखाउणा सी और इवें ला रहे से और अचानक इन्हों के हाथों छुट के इन्हों के सिर के उत्ते आ के वज गया और इन्हें दस कि मेरे सिर पर कोई इवें कोई मतलब ज़्यादा चोट तो नहीं आई, काफ़ी इवें दर्द हो रहा है और इन्हें दस कि मैं 2 घंटे प्रार्थना से बैठी और परमेश्वर ने बोलिया कि जो थोड़ी जी दर्द है भी परमेश्वर तुम फ्री कर चुके और प्रार्थना से बैठते हैं। कहें जो मैं प्रार्थना कर रही थी और करद्या करद्या कहें उस दर्द तो भी प्रभु ने मैं फ्री कर दिता और इस गवाही यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रेर जी इन्हों का नाम सिमरन और खुशीपुर के रहने वाले ने। दसते पे ने कि इन्हों की अख में इस तरह उंगलों वजन के कारण बहुत ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा मतलब कि अख लाल हो गई सी और ये दस रहे ने कि खुदा दे दास दे कोलों मैं प्रार्थना करवाई और उस वेले परमेश्वर ने उस दर्द तो और अख की प्रॉब्लम तो आजाद कर दी। दशम सामर्थ्य जिंदा नाम के तारीफ करांगे खुदावंद परमेश्वर की, खुदा के कामों के लिए तारीफ करांगे। ये परमेश्वर ने काम किए हुए हैं, परमेश्वर के कामों के लिए तारीफ करांगे। प्रेर जी इन्हों प्रभजोत कौर आ खुशीपुर के रहने वाले आ और इन्होंने दसिया कि इस बेटी के स्कूल में जिले वालों राइटिंग का टैसट होना सी और इन्होंने दसिया कि 2 स्कूलों में इस बच्ची का राइटिंग का टैसट होया और प्रभु ने 2 स्कूलों में उसनों फस्ट पोजिशन से लैके आया और इस गवाही लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असं तारीफ करेंगे पूरे मन से जोर से। तो प्रेर जी इन्हों नाम बलजीत और झंडिया के रहने वाले ने। ये दसते पे ने कि इन्हों की दाढ़ विच एक मास वध्या होया सीगा जिदे करके कुछ भी खा पी नहीं रही सीगे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा सीगा और प्रेर जी जो तुहाडे द्वारा असीं सब सीखते हाँ कि तुसीं अपने जीवन के प्रैक्टिकल करो और ये दस रहे ने कि मैं भी अपने जीवन के इस तरह प्रैक्टिकल किया और अपनी दाढ़ के उंगल नूं रख के प्रार्थना की कि परमेश्वर जो भी मास वध्या आ तुसीं यीशु के नाम के इहनू बिल्कुल वधिया कर चुके हो और ये दस देने कि जदों ही मैं इस तरह प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस मास की प्रॉब्लम तो मैंने आजाद कर दिता और ये सब कुछ खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु मसीह सामर्थ्य जिंदा नाम के तारीफ करांगे खुदावंद परमेश्वर की।
ਨਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤੀ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਗੁਆਈ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਦਰਦ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗਵਾਈ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਸੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਪੀੜਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਚਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹਤ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਰੇਕ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਮੇਨ ਤੋ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮੈਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਗੋ ਗੇਤ ਤੋਂ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਢੂੰਡੋ ਗੇਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਖੜਕਾਓ ਗੇਤ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੋਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਨੇਲੀਸ ਦੇ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲਵੰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਬਿਗ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਡਬਲ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ 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 ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਗਾਓ ਔਰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜੂੰਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਆ, ਕਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਜਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਲਈ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾਏ ਨਾ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਆਮੇਨ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਜੋ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਨਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਬਲਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਮੰਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਨਾ ਹੀ ਬਲਵੰਤ, ਮੈਂ ਉੱਨਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਕਟੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉਧਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
बोलो की कर गया मैं समझ गया कि जो खुदा दे नाल मेरा रिश्ता है, जिस परमेश्वर ने मैनू चुनिया है और मेरे जीवन तो की चाहता है और उसकी की इच्छा है, उसकी की मर्जी है मेरे जीवन तो, जिन्हों मैं की करना है पूरा करना है। समझ असी सब जानते हैं असं कितों पैदा हुए, सारे असं सब कितों पैदा हुए हैं, पाप तो। और जो व्यक्ति पाप तो पैदा होया कितों पैदा होया पाप तो, उसका परमेश्वर के नाल कोई भी रिश्ता नहीं, संबंध नहीं, असी जानते हैं सारे। और ये कर्म खुदा ने आप किया कि उन्हें आप अपना पुत्र का बलिदान दे के लिखा सानू अपने नाल मिला लिया है, की कर लिया है। और ये गल इस दुनिया के अंदर एक भेत है, एक मिस्ट्री, एक भेत है जो दुनिया नहीं जानती, जा लोग भी आ जाते हैं और जानते नहीं, बोलो जानते नहीं। तो जिन्हों समझ आ गई जान गई, जो जान गया कि परमेश्वर मैनू की आख रहा और मैं की करना हूं, समझ रहे हो। तो जिन्हों तो सच की समझ आ गई कि मैं एक पापी सी, मेरा खुदा दे नाल कोई रिश्ता नहीं सी, संबंध नहीं सी, मैं उस तो दूर सी, मैं बहुत मंगन दे बावजूद भी, बहुत कुछ करन दे बावजूद भी, जो मैं चाहना सी मेरे जीवन च हो नहीं रहा सी। जिन्हों छोटा जा पॉइंट है, औखा नहीं है, एक समझ आ जाए मैं तो पाप के कारण की सी, मैं दूर सी, पर लिखिया ये उपकार उस परमेश्वर ने आप साढ़े उत्ते कीता, कि कीता साढ़े उत्ते, ये साढ़े किसी किसी अपने किसी इंसान के कर्म नाल नहीं, ये उसकी बख्शिश, उसकी दया, उसकी प्रेम के नाल ये सानू जीवन मिलिया है सारिया नू ये जीवन। और तुसी इस जीवन च रह के परमेश्वर दीआं गल्लां नू समझ के बहुत अच्छा ते वधिया जीवन जी सकते। इसलिए परमेश्वर दास सुलेमान ने जिवें दस्या कि हे मेरे पुत्र, क्योंकि असी उनकी दी संतान बन गए, क्योंकि साडा उद्धार किन्ने कीता, सानू मुक्ति, सानू छुटकारा किन्ने दिता। इसलिए यहोवा, सॉरी दाऊद आखदा, यहोवा मेरी पनाह, मेरा गढ़, मेरा समझने शरण स्थान है, तो मैं कदी ना डिगांगा, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि मेरे जीवन का उद्धार करने वाला कौन है, ओ सच्चा परमेश्वर। वो कहना मैं कदी ना डिगांगा, कि ना करांगा मैं कदी भी, कदी ना डिगांगा। तो दाऊद का पुत्र सुलेमान, जिसने किदे कोलों समझ बुद्धि मंगी, उदियां गल्लां नू समझन दे लई, किदे कोलों मंगी, परमेश्वर दे कोलों मंगी। तो तुसी भी ले सकते हो, अगर नहीं समझ आती किसी नूं, रोज रोज किदे कोलों मंगे और प्रतीत करे, की करें प्रतीत करे, नहीं मेरे पुत्र मेरी तालीम मेरी शिक्षा नूं ना भुल। और कित्थे लिख, अपने दिल दियां पट्टियां ते लिख, ते अपनी समझ दा अपनी बुद्धि दा सहारा ना ले। कदी कदी सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, हाँ परमेश्वर ने यह किया और बहुत सारे नाल किया भी है, पर फर्क की आ जाता है कि जो सुन लें, पर जो करन दा वेला आते असी कर नहीं पाते, असी भुल जाने कि जाने असी भुल जाने कि परमेश्वर ने मैनू की कहा। इसलिए सब तो पहला परमेश्वर सानू कहिंदे है, मेरे पुत्र मेरी तालीम मेरी शिक्षा नू ना भुल, अपनी मेरे वचन अपने दिल दियां पट्टियां ते लिख, ते अपनी समझ का सहारा ना ले। ते की कर, की कर, मैनू याद कर, की कर, मैनू याद कर, ते मैनू याद करके सारे काम कर, ते संपूर्ण मन तो मेरे ते भरोसा रख, तदों मैं तेरे लिए सारे मार्गों की करांगा सिद्धा करांगा, की करांगा मैं तेरे सारे मार्गों नू सिद्धा करांगा सिद्धा। जेडे टेढ़े मेढ़े मार्ग हुए ना, अं सोचते हैं बोझ से,
तद तो प्रभु ने कहना अपना बोझ की कर दो मिन्नू दे दो, अपना भारी वाला बोझ मिन्नू दो और हल्का मेरे को। जेडे दिंदे ने उन्हां नूं खुदा दिंदा भी है, दिंदा कि नहीं दिंदा। इसलिए परमेश्वर दास पौलुस जी ने रोम दे लोकां नूं कहा कि मैं परमेश्वर की खुशखबरी नूं सुनाउण लग्गिआं किसे नूं लजांदा नहीं है, शर्मांदा नहीं है, क्योंकि पहला लिखा यहूदी फिर जुनानी। पहला कौन? यहूदी, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ इस दुनिया के अंदर यहूदी एक कौम के लिए आया, अन्य जाति लिए नहीं। जिवें असीं सब अन्य जाति, अन्य जाति मतलब समझदे हां, साडे उत्ते कृपा, क्योंकि वह सिर्फ किन्हां दे लिए आया, यहूदियां दे लिए। पर जदों उन्होंने उस तरह उहदे वचन नूं ग्रहण नहीं किया, लिया नहीं, फिर यह वचन सब जातियां दे कोल गया। और एक किदा अनुग्रह होया, परमेश्वर दास पत्रस जो प्रभु का जो चेला सी, जो उसकी सेवा कर रहा सी, तो वो प्रार्थना कर रहा, की कर रहा सी, किदे लोकां दे लई, किदी प्रजा दे लई। जिवें अज भी बहुत सारी दुनिया परेशान आ, दुख च आ, पीड़ा च ने, मुश्किल च ने, कई मसला एक नहीं है, मसला सब दा सेम, मसले बहुत सारे ने, पर सारिया मसलों का हल की है, इको ही है, वो सच्चा खुदावन यीशु मसीह। लिखा इस काश दे हेठां और पूरी धरती दे मनुष्यां च कोई दूसरा नाम नहीं है जितो तुसी बचाए जाना, इको ही नाम। तो पतरस की कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर नूं एक दर्शन दे रहे हैं, कि दे रहे ने दर्शन, और दर्शन विच की वेखदा है कि एक पात्र आकाश तो स्वर्ग तो आंदा है, उहदे विच बहुत सारे जीव जंतु ने। तो परमेश्वर ने कहा उठ अते मार ते खा, उठ अते मार ते खा। तो अगो बोलदा कि मैं कोई अशुद्ध चीज परमेश्वर अज तक नहीं खाती। तुहानू वो एक बारी दर्शन आता तदों वो इस तरह बोलता कि नहीं मैं कभी कोई अशुद्ध चीज़ नहीं खाती। दूसरी बार फिर और तीसरी बार जदों फिर परमेश्वर उन्हों आखते हैं तो परमेश्वर की उस गल नूं समझ नहीं पा रहा कि परमेश्वर की की इच्छा है। इस तरह ही असी है, जो असी अपनी इच्छा अपनी समझ लगानी है तो असी समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की की इच्छा है मेरे जीवन तो, वह की चाहता है, समझने है। तो तदों लिखा जो पतरस ने तीन बारी दर्शन देखा तो दुर मतलब समझने है, वो एक दुर्बलता च पै गया, मतलब एक ही है, समझने, एक ही कारण है जेड़ा इस तरह हो रहा। लिखे तदों वो जिस घर विच सी उत्ते किसी ने कुंडा खड़काया और तीन जन जदों आए तो उन्हें तुरंत परमेश्वर ने समझ दित्ती, कि दित्ती समझ दित्ती कि तीन वारी दर्शन ये तीन लोग जो आए ने क्यों आए ने, समझ। तो उन्हें आत्मा ने फिर समझ दित्ती उन्हां दा आना जो तीन वारी दर्शन वेख्या, क्योंकि एक बंदा जो अन्य जाति सी किसी पर उहदे अंदर किहदा प्रेम सी, बोलो किहदा प्रेम सी। लिखिया वो जन लिखिया रोज प्रार्थनावां करदा सी और यहूदी लोकां दे लई की करदा सी, दान करदा सी। उहदा नाम सी कुरनेलियस, किसी दा नाम कुरनेलियस। लिखिया स्वर्ग ते परमेश्वर अगे प्रार्थनावां करन लगा और अपने दान, उहदे एक पोस्ट सी, एक पलटन दा एक सूबेदार सी, पर खुदा नूं प्रेम करदा सी, उन्हूं अपने जीवन च चाहुंदा सी। पर है अन्य जाति सी जड़ा जिहदा परमेश्वर नाल कोई लगाओ कोई संबंध नहीं सी, पर परमेश्वर उन्हूं जीवन देना चाहुंदा सी। इसलिए जो दर्शन पतरस ने वेख्या
क्योंकि परमेश्वर पत्रस दे द्वारा उदे पाप दा छुटकारा उदा उद्धार उनु जीवन देना चाहुंदा सी जिवें अज सानू सारियां नू देना चाहुंदा है। समझदे हां? क्योंकि उद्धार दे अंदर की किदी ताकत है, किदी सामर्थ है, बोलो किदी ताकत है। इसलिए पौलुस ने कहा पहला यहूदी फिर जुनानी ते उद्धार दे निमित्त हर एक विश्वास करने वाले दे लई किदी सामर्थ है, बोलो किदी सामर्थ है, किदी ताकत है, परमेश्वर दी। तो इसलिए परमेश्वर ने उदे उस विश्वास नू, उसकी चाहत नू देखिया, उदे मन नू देखिया और अपने जन नू किदे कोल लिआंदा, उस कुरनेलियस दे कोल, किदे कोल लिआंदा। समझने अज में परमेश्वर ने तनु अपने कोल सारियां नू लिआंदा, लिआंदा कि नहीं लिआंदा, तनु उस जीवन दे पाप तो मुक्ति देने लई, छुटकारा देने लई जिच तुसी बहुत कुछ इस संसार विच किता तो थे पर करके करके भी तनु जीवन मिलिया नहीं, पर अज तनु ये सच समझ आ गया कि आ गया तनु तनु सच किन्नियां नू समझ आ गया ये सच कि मेरे जीवन दा मुक्ति दाता मेरा कौन है, मेरे छुटकारा मेरा उद्धार करता कौन है, बोलो कौन है? परमेश्वर है और वो मेरा उद्धार मैंने छुटकारा दे चुका है। समझ रहे हो? आज मैंने सिर्फ विश्वास करने की लोड़ है, उदियां नियमों नू, उदियां आज्ञावां नू, उदे प्रेम नू समझने की लोड़ है। समझ रहे हो? आज मैंने किया समझने की लोड़ है, खाली सिर्फ समझने की लोड़ है और समझ के चलन की लोड़ है। और जो समझ आते नहीं क्योंकि समझ चुके नहीं कि मैनू उस पाप तो जिवें नैगेटिव पावर का जिवें अज बच्ची की असी गवाही सुनी है क्योंकि पाप के कारण अंधकार की शक्ति ने नैगेटिव पावर ने इहदे जीवन नू की किया खराब किया। पर कौन इहदे जीवन च आया, किन्ने नू मुक्ति दित्ती, किन्ने छुटकारा दिता। समझिए जिवें बीमारी दुख पीड़ा जो भी लड़ाई क्लेश नशा कुछ भी है, समझने गलत काम सब कुछ किदे वल्लों है, पाप वल्लों, सारे गलत काम किदे तो नहीं, पाप तो। और पाप नू मिटाउण दे लई कौन आया इस दुनिया च, परमेश्वर है ना। तो अगर वो आया है साडे जीवन च कि आया है, वो इसलिए इस दुनिया च प्रगट होया ताकि हरेक जो उदा विश्वास करे और उन्हों समझे कि करे उन्हों समझे उसके प्रेम नू उदे विचो सब कुछ कर सकता है। आमेन। बोलो की कर सकता हूं जानू, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ तू ही कर सकता है, पर समझना पड़ेगा कि करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर तुडे अंदर चाहत है, प्रेम है उस खुदा दे लई, मैं तेनू कहा मैं तो रात दिन तैयार हाँ तुम्हें समझा दे दसन दे। समझ जिमें असी सुने कि हबकूक नबी कंप्लेंट कर लगा, शिकायत कर लगा परमेश्वर की, कर लगा कि परमेश्वर दुष्ट तेरे लोगों नू की कर रहा, निगल रहा, खा रहा, मार रहा और तू आराम नाल बैठा। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं आराम नाल नहीं बैठा, मैं अपने पैरे दे घुमट ते की हाँ तैयार हाँ, मैं अपने पैरे दे घुमट ते की हाँ तैयार खड़ा कि कदों कोई किस मन नाल आए और की करे। समझे? तो सोचो कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुसी बुरे हो के कि हो के अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा सोचते हो, कि करते हो अपनी अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा सोचते हो बुरे हो के, तो वो तो स्वर्गीय पिता है जो सब जानता है। बोलो की करता है, वो सब कुछ जानता है। जे पर बच्चा जो उदी गल नू समझे पूरा करे तो ही है ना, समझे? तो तुसी बुरे हो के प्रभु ने कहा इस तरह करते हो, तो वो तो स्वर्गीय पिता है जो सब कुछ जानता है, जानता कि नहीं जानता, पता कि नहीं पता, समझे?
हन्ना नाम दी एक औरत जिते बच्चा नहीं सी, उन्हें बहुत प्रार्थनावा की तियां बहुत कि परमेश्वर मैनू की दे बच्चा दे। पर एक दिन परमेश्वर दी उदे मन च इच्छा आई, क्या आई? इच्छा आई कि परमेश्वर अगर तू देवेंगा तो की करांगी मैं उस बच्चे नू भी की करांगी। बोलो की करांगी? कित्थे दे दांगी? तेरे पवन दे ली, तेरी सेवा दे ली, तेरे काम दे ली। जदों थोड़ा काम थोड़े जीवन च कुछ नहीं हुंदा क्योंकि उधार ते मिलिया है, छुटकारा ते मिलिया है, पर जे समझ नहीं आ रही नहीं हो रहा, इसलिए परमेश्वर अपनी समझ का सहारा ना लो। तो जे समझ नहीं आ रही तो फिर खुदा नु पूछो परमेश्वर मैं की करा। समझने तो अगर परमेश्वर कुछ बोले थोड़े मन के अंदर लगाए पान दे ली तो करने विच पिछे ना हटो क्योंकि उधार दे विच उस गल च परमेश्वर की सामर्थ है। जो कर नहीं पाते तदों की हुंदा है? हुंदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर करन दे लई तैयार है। बोलो करन दे लई की है? तैयार है। मैं एक मीटिंग च जलंधर गया, एक पास्टर जी सी, सुनो सुनो सारे ध्यान ना, तो उन्होंने मीटिंग करवाई और दा अरेंजमेंट मतलब जेड़ा उन्होंने करना सी बहुत मुश्किल नाल हो पाया, बहुत मुश्किल नाल उन्होंने किया क्योंकि पैसों के कारण, कादे कारण? पैसों के कारण। तो वो अपनी गवाही जदों दे रहे सी कि उन्होंने दो संगतियां करवाइया जिमें एक नाइट रात नूं कीती और दिने फिर कीती। समझने दो संगतियां कराइया क्योंकि संगति च की आ खर्चा है, खर्चा हुंदा कि नहीं? ये संगति अगर असीं करदे आ इहदा खर्च नहीं है, कोई खर्च नहीं है, खर्च है। समझने मैं किसी नूं असीं किसी नाल गल कीती जिमें प्रभु इन्हां नूं भी बहुत सारी बरकत दवे जो खुदा दे उस सच दे लई उहदे प्रेम दे लई अपने हत्थां नाल इन्हां नूं साजां नूं वजा के खुदा दी महिमा नूं वधाउंदे ने। तो मैनूं पुछिया कि किन्ने पैसे लैंदे, जदों असीं दस्सिया कि इन्ने लैंदे आ तो दस्सिया किन्ने दे, कहिंदा एक महीने दे। मैं कहिंदा नहीं भाई, हर हफ्ते दे और एक दिन दे। बोले अच्छा, मैं तां आखिया करी महीने दे तुसीं दिंदे हो इन्ने। समझने असीं इन्हां नूं 4000 रुपया पे करदे हां, समझ? उस तो अलावा बहुत सारे खर्चे भी ने। तो मैं जानता कि जिस परमेश्वर ने मैनू उधार मैनू जीवन दिता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो जो उस तरह पास्टर जी बोलन लगे कि बड़ा औखा सी, असी कैंसल कर रहे सी, की कर रहे सी? असी कैंसल कर रहे सी। तो फिर एक असी दर्शन देखिया जो पत्रस ने भी देखिया, तो कहिंदे असी दर्शन देखिया कि इस तरह बदल आए ने और बहुत इस तरह और वो चले गए ने। और फिर दूजी वारी दर्शन देखिया और फिर आए, फिर बहुत बारिश हुई। फिर कहिंदे तद ए असी उस दर्शन देख के ते असी संगति कर रहे हैं, पर बहुत साडे लिए वो पैसों के कारण। तो इस तरह ही तुहाडे वांगी इन्ने क लोग सी बैठे। तो मेरा मन भर जाता है कि उस खुदा दे प्रेम दे लिए, क्योंकि मैं जानता जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन का उद्धार किया है, मैनू छुटकारा दिता है। पता नहीं आप लोग किस तरह विश्वास करते हो उद्धार दे विच, किन्ना प्रेम करते हो परमेश्वर नू, किन्ना सोचते हो। तो शायद वो दिन सैचरडे सी, शनिवार का दिन सी। तो संडे नू कुछ मैं मेरी जेब च मतलब मैं किसी काम दे लई इन्हां नू देण दे लई इस तरह जिहड़े असीं लगाने पैसे रखे। पर जदों उस बंदे ने इस तरह बोलिया, मैं अलग एक जेब च पैसे पाए सी, कुछ अपने मेरे अपने सी, लगभग कुल मिला के कोई 3,000-3,500 रुपया सी। तो जदों उन्हें बोलिया तो मेरा मन भर आया, मेरी अखां च पानी आ गया कि एक प्रभु दा सेविक आ, बंदा आ, और वो दस रहा कि मैं चाहना सी, और वो दस रहा सी अपने जीवन की टेस्टमनी कि मेरा इको एक बेटा आ और उहदी भी डैथ हो गई, मौत हो गई। की हो गई आ? मेरा इको बेटा आ, उहदी भी डैथ हो गई आ,
छोटे बच्चे नहीं होते, नौरानी कारची या समझने है। तो दिल दिल मेरा बहुत ऐसा कि फिर भी खुदा दे नाल बने आया, जुड़े आया है ना। इतने छोटी जी कोई गलबात हो जाती और की करता इंसान, और की करता है वो, कदों भी की कर सकता उस जीवन दे करता नू जो पूरी दुनिया नू छुटकारा देने वाला है, पूरी दुनिया का उद्धार करता है, समझे। तो फिर भी अपने है ना की कर रहा, उद्धार दे कार्य नू पूरा कर रहा, क्योंकि वो समझ गया कि मैनु केड़ा जीवन मिलया और केड़ा मिलने वाला है। तो बेटे दी मौत भी होगी तद भी किदे नाल बनया और किदी सेवा कर रहा, किदे शुभ समाचार नू फैला रहा, समझ रहे। तो परमेश्वर अन्यायी नहीं है, न्यायी है, सच्चा न्यायी है। अन्यायी है कि न्यायी है, बोलो अन्यायी है कि न्यायी है, न्यायी है, बोलो की है न्यायी, परमेश्वर न्यायी, समझ रहे हो, न्यायी परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, अगर तुसी उदे नाल वफादारी कीती है, बोलो की है वफादारी, वफादारी कीती है और कर रहे हो, समझ। मैं कहना तनु कोई बहुत अथाह कुंड च भी जिवें शद्रक मेशक अबदगनो दे जीवन नु वेखियो तो लिखिया उन्होंने बलदी हुई पट्ठी च की कर दिता, सुट दिता, की कर दिता, पर वो नाश होए, उनका कुछ गया, शैतान उनका कुछ बिगाड़ पाया, क्योंकि वो समझ चुके सी इस गल नु। तो मैं भी जदों उस बंदे नु उदे अंदर उस प्रेम नु देखिया तो मेरा मन पर आया, और मैं जो कुछ सी मेरे जेब चो कढ़ के जो दुबारी आई, मैं सारा कुछ पाता कि परमेश्वर तेरा एक जन तेरे लिए कुछ करना चाहता है। तो नहीं है, मैं करांगा। और सच्ची मैं दसदा मेरी जेब च एक 10 रुपए भी नहीं है। मैं वापस आना सी एक जगह तो उतर के मेरे को 10 रुपए आटो दे लगने सी, मैं किसी नाल गड्डी ते गया सी, मैं अपनी गड्डी नहीं लेके गया। तो मैं 10 रुपए भी मेरी जेब च नहीं कि मैं उतों उतर के आटो फड़ के ते मैं जावा, समझ। तो की है उस तो बाद की हो गया, मैं बहुत गरीब हो गया, बहुत माड़ी हालत होगी, किन्नियां नूं पता इस गल, मेरी हालत की होगी बड़ी माड़ी होगी। इसलिए ये जीवन दाऊद कहना मैं तेरे वचन नूं इस जीवन नूं पाके जिवें सोने दियां हजारां मोरां, समझने, जिवें कोई लुट दा खजाना मिलिया है, मैं इन्ना खुश हाँ। इसलिए मैं खुश हाँ, आप खुश हो, मैं तो खुश हूं, आप खुश हो, सारी आप खुश हो, खुश हो, अगर खुश हो तो इस गल नू कदी ना भूलो, बोलो कदी भी, कदी ना भूलो। इसलिए खूब किदे नाल जियो, किदी इच्छा नू किदी मर्जी नू पूरा करो, समझ रहे हो, क्योंकि किसे तो दूर है वो, किसे तो भी दूर है नहीं है, बोले किसे तो मैं दूर है नहीं है, वो आपनों बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। इसीलिए उन्हें की किता इन्ना दुख नू की किता क्रूस ते उत्ते उठाया सिर्फ साड़ी खातर, ताकि साड़ा उधार सानू जीवन मिले, सानू छुटकारा मिले, समझे। या नहुना सी, बोलो या नहुना सी, पर किन्ने किता है काम, साडे अपने कर्म अपनी भक्ति दे नाल उस खुदा नूं मिलना अपने जीवन च पाना लिखिया अन्न होना सी, पर ये उस खुदा दे उस कर्म नाल उहदे प्रेम दे नाल ये हो गया, बोलो की हो गया है, ये हो गया है। इसलिए जो लोग अजे खाली ने, जिन्हां दे जीवन च अजे तक कुछ जो चाहुंदे ने ज नहीं होया, उस गल लई अपने मन नूं पक्का कर लो,
जो सोचते हैं जा मंगते हैं जो जिन्हों के जीवन अजे नहीं होया जा अजे भी वह पीड़ा च या दुख आ किसी भी प्रॉब्लम च नहीं वो अच इस गल ही अपने मन को पक्का कर लो कि कर लो अपने मन को पक्का करो समझते हैं क्योंकि वह छुटकारा सानू सारू दे चुका है बोलो कि कर चुका है छुटकारा सानू दे चुका है सबनों सानू खुदा दिया आत्मिक चीज़ां च वधन की जरूरत है बोलो की है ना जिमें एक वचन पढ़ना अफिसियों 1:13 अस वचन देखांगे और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का शुभ समाचार है और यीशु पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बनाया है बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो तो क्या हो उसकी महिमा की स्तुति हो शुरू से पढ़ें दोबारा और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना हाँ उसी में जब तुमने भी सत्य का वचन सुना तो की सुनिया तुसी की सुनिया सी की सुनिया सारिया ने तुसी कि कौन मेरे पापा लिए मोया गया कौन मरिया है की सुनिया तुसी सुनिया कि नहीं सुनिया बोले सुनिया कि नहीं सुनिया कि कौन मेरे पापा लिए मोया है कौन मरिया है लिखा उसी दिन जब तुमने भी सत्य का वचन सुना कि सुनिया सत्य का वचन क्योंकि ये वचन किसी मनुख की अपनी विचारधारा नहीं है अपनी किसी इंसान की सोच नाल नहीं लिखा गया इस काश और पृथ्वी ने बनाने वाला परमेश्वर समझ लो उस खुदा ने अपना वचन इस संसार च दिता है अपने लोगों ने तो उसी दिन जब तुमने भी सत्य का वचन सुना तो जो तुम्हारे उद्धार का शुभ समाचार है जो तुम्हारे उद्धार का शुभ समाचार समझे हैं छुटकारा मतलब शुभ समाचार खुशखबरी बोलो की है एक यीशु मसीह इक्की नाम या खुशखबरी का नाम कदा नाम या खुशखबरी का इसलिए पौलुस कहना मैं शर्मांदा नहीं हर एक दसन लग्या शर्मांदा शर्मांदा नहीं क्योंकि पहला यहूदी फिर जुनानी दे नमित परमेश्वर दी की है सामर्थ्य शक्ति तो प्रतिज्ञा किते हुए पवित्र आत्मा दी की लगी शाप मतलब मोर लगी की लगी किन्नियां दे उत्ते मोर लगी है पवित्र आत्मा दी मोर किन्ना ते लगी है किन्नियां ने उहदे नाम दा बपतिस्मा लिया और अपने पापा तो मन नूं फिराया और पवित्र आत्मा नूं पाया क्योंकि मैं नहीं कह रहा खुदा का वचन कह रहा कि जिन्हें ने भी सुनिया उधार का शुभ समाचार प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की लगी मोर क्योंकि जिमें असी मन तो उन्हें स्वीकार करते हैं उसका विश्वास करते हैं तदों सानू तुरंत पवित्र आत्मा का की मिलता दान मिलता मैंने फर्स्ट डे किसी ने पहले दिन ही यीशु मसीह के बारे दसिया कि हाँ यीशु मसीह मुक्तिदाता है वो तुम छुटकारा तो चाहते हो अगर वो नाम से जीवन लेना तुम अज ही तुम अगर विश्वास करते हो मनते हो तो की करेगा परमेश्वर तुम अज ही मुक्ति देगा तो मैं क्या ठीक हाँ मैं तुरंत उस गल नूं पत्र समांग जाल छड़ के यीशु मसीह के पिछे हो गया तो मैं भी सेम इस तरह ही मैं तुरंत फस्ट डे पहले दिन ही सुनिया और जो मैं किसी ने दसिया और मैं पहले दिन ही उस परमेश्वर की सामर्थ नूं उसके पवित्र आत्मा की ताकत नूं अपने जीवन च लिया फर्स्ट डे पहले दिन आमेन कि आपने लिया कि नहीं लिया जी क्योंकि उधार के अंदर बड़ी ताकत है और तुसीं आम नहीं हो हुण तुसीं लिखा परमेश्वर की प्रजा हो कि दे लोग हो समझने
तो उससे दिन ही पवित्र आत्मा नु मैं अपने जीवन च की कीता ग्रहण कीता। बोलो की कीता, जिवें नेगेटिव पावर दे अंदर भी एक शक्ति है, नेगेटिव पावर दे अंदर की एक शक्ति है। जिवें अज जो इंसान बीमारी दुख पीड़ा च, तो परमेश्वर तो नहीं किसी नूं देंदा, कि देंदा है वह नहीं देंदा। परमेश्वर किसी के जीवन च कोई बीमारी नहीं देंदा, वह तो बीमारी नूं तो छडाउण लई स्वर्ग च आया, दुनिया का मतलब समझने उधारकर्ता बन के आया। तो नहीं किसी नूं देंदा, पर नेगेटिव पावर हरेक ने जीवन च ये पैदा कर दी है। और ये कदों हुंदी आ, जदों इंसान उहदे सच नूं समझ नहीं पाउंदा, उहदियां आज्ञावां उहदे नियम की नहीं, परमेश्वर की चाहुंदा आ साडे जीवन तों, उहदी की इच्छा आ। तो जब तक वो नहीं पूरा कर पाउंदा तद तक उहदा जीवन रुकिया है, पर जे तुरंत अपने मन नूं तैयार कीता उहने परमेश्वर दे लई, बोले सुन के की कीता उहने, अगर तुसीं कहिंदे सुनिया आ, बोलो की कीता, अगर तो सुनिया आ, अगर तो तुहाडे उधार का शुभ समाचार और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की की लगी ताडे उत्ते, तो तुरंत तुहानू जो शास करदा उन्हां नू की मिलेगा, पवित्र आत्मा का दान भी समझने। और पवित्र आत्मा कि ताकत है, कि शक्ति है, बोलो कि शक्ति है, तो वो तो सब कुछ कर सकते हो। पर जे तुहानू पता नहीं है कि तुम प्रैक्टिकल करके नहीं वेख्या अपने जीवन च, बोलो प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल करके नहीं देखिया, तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। जिवें कोई बंदा कोई काम नूं वेखदा आ, ये किदां बना रहा कर रहा है, तो अगर वेखदा रहेगा तो वेखदा रहेगा, समझने, अगर वो वेखेगा ये इस तरह बनया है, अगर खुद नहीं करेगा तो उन्हें पता नहीं लगेगा, समझने। इसलिए जब तक तुम करके नहीं देखोगे तो तुम परमेश्वर की ताकत का पता लगना नहीं है, जब करोगे फिर तुम समझ आएगी कि हाँ परमेश्वर कर सकता। बोलो परमेश्वर कर सकता है। किन्ने लोग विश्वास करते हैं कि कर सकता है, क्योंकि मेरा मुक्तिदाता है, मैनु जीवन देने दे लिए स्वर्ग चो आया है। क्या है मेरे मेरे लिए स्वर्ग चो आया, और वो चाहता है मैनु एक अच्छा जीवन देना। बोलो तुहानू की देना चाहता, वो अच्छा जीवन देना चाहता, सबनों अच्छा जीवन, अच्छी गुड लाइफ, समझने, एक ब्यूटीफुल लाइफ जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम के विच रखी है, समझने। और उही साडा सारिया का की है, उधार है, मुक्तिदाता है, छुटकारा देने वाला, और वो दे चुका तुहानू। अज तुहानू शरीर ते मन लगाउण दी जरूरत नहीं है, परमेश्वर दास ने कहा शरीर ते मन लाउणा मृत्यु है, मौत है, पर आत्मा ते मन लाउणा जीवन ते शांति। अगर शरीर ते मन लाओगे तो की है, मौत है, मरना पएगा, की करना पएगा, पर आत्मा ते मन लाउणा जीवन और शांति है। इसलिए आत्मा दे नाल अपनियां देह दियां क्रियावां नूं अपने अंदर को की करो, खत्म करो। आत्मा दे नाल अपनी जिहड़ी देह दी क्रिया है, शरीर दे अंदर क्रिया बनदी है ना, उहनूं की करो, खत्म करो। बोलो की करो, उहनूं बनना दो। पिछले पौलुस कहिंदे हर एक उच्ची गल जो मसीह दी पहचान दे विरुद्ध उठदी है मैं उहदा खंडन करदा, मैं अपने अंदर बन नहीं देंदा, समझदे हो। अगर किसी नूं गुस्सा आंदा है, क्रोध आंदा है, तो किहनूं बोले, क्योंकि तुहानूं छुटकारा देने वाला तुहाडे जीवन च आ चुका है। अगर कोई भी गल आ तो किन्नू बोले, समझने, तो देखो फिर, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर तुम करके नहीं देखिया तो किस तरह तुम पता लगेगा, समझ गए। अगर तुम प्रैक्टिकल करके नहीं देखिया तो तुम किदा पता लगेगा, अगर तुम क्या नहीं कभी बोलिया नहीं इस तरह तो किवें पता लगेगा, लगेगा पता तद ही तुहानू पता लगेगा जिस दिन तुम बोलोगे और करोगे, कहोगे, विश्वास करोगे, ये प्रार्थना करोगे परमेश्वर तक कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे नाम दे विच की हाँ, समझने, उधार छुटकारा पा लिया, और हुण ये मेरे लिए नहीं है, ये पीड़ा दुख जो भी है, कुछ भी है, गरीबी शराब जे वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे मेरे वास्ते ही कुछ भी नहीं है। और तुम विश्वास नाल जियोगे, कादे नाल जियोगे, फिर
फिर तुम खूब जियोगे और खूब परमेश्वर की महिमा अपने जीवन तो की करोगे, प्रकट करोगे। फिर तुम देखोगे परमेश्वर दी भलाइया तो वे कमां जो हरेक दे नाल करना चाहता। देखोगे देखोगे, बस छोटा जा पॉइंट आ, अगर तुम समझ आ जाए कि आ जाए फिर तुम रोन की जा मन खराब करने की लोड़ नहीं है। बोलो फिर रोन की जा मन खराब करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि वो तुहाडे लई सब कुछ कर चुका है। समझ रहे हो, अज तुहाडी वारी है कि तुसीं किहदी इच्छा नूं पूरी करो और किहदे नाल जियो। तो बस अज तो तैयार रहो, अज तो सोचण की लोड़ नहीं है, अज तो खुदा दीआं गल्लां नूं समझ के उहदे अनुग्रह नूं, क्योंकि इस संसार उत्ते कृपा हो चुकी है। जिवें लोकां नूं नहीं पता, लोग इंसान समझदा है कि यह किहड़ा समय है, किहड़ा समां चल रहा कल युग का, किहड़ा समां चल रहा है कल युग का समां। बोलो किहड़ा समां चल रहा कल युग का, पर यह किहड़ा समां है अनुग्रह का, उहदी कृपा का समां है। बोलो किहदी, उहदी कृपा का समय समझ नहीं है, यह अनुग्रह का समय, कृपा का समय समझ नहीं है। हुण तुसीं उहदे अनुग्रह नूं, उहदी कृपा नूं जिन्ना समझोगे, जिन्ना अपने जीवन च यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, उन्ना ही अनुग्रह तुहाडे उत्ते वधदा जाएगा। बोलो कि वधदा जाएगा, उन्ना अनुग्रह तुहाडे उत्ते वधदा जाएगा। हुण इह तुहाडे उत्ते है, बोलो की है हुण, ये हुण तुहाडे उत्ते है कि तुहाडे कोल किन्ना टाइम है खुदा दीआं गल्लां नूं सिखण दे लई, समझण दे लई। हाँ, तुहाडे अंदर अगर चाहत है कि मैं भी पवित्र आत्मा दे दान नूं पाउणा है, किहदे दान नूं, तो तुसीं आओगे, समझोगे, सिखोगे, समझोगे कि नहीं। यीशु मसीह दे कोल जदों पीड़ां आईआं तो प्रभु ने चंगा तो कीता सब नूं, पर लिखिया उह जदों पहाड़ ते चढ़ के बैठ गया तो कौन पिछे आए, सिर्फ चेले। तो उन्होंने मूँह खोल के उपदेश देन लगा, कि देन लगा फिर, कि धन ने वो जड़े मन दे दीन ने, स्वर्ग दा राज उन्हां दा। धन ने वो जड़े सोग करदे ने, स्वर्ग दा राज उन्हां दा। तो जो तो सोग करेगा है, मेरे मेरे कोल क्यों नहीं आत्मा, की कारण है परमेश्वर, मेरे च की कमी है, समझे, अज तक मैं क्यों अधूरा, मैं क्यों नहीं ये चीज कर रही कर रहा, समझने। जो सोग करेगा, प्रभु ने कहा शांति, तन ने वो जेड़े लिखिया मिलाप कराउंदे ने, जो होरां दा भी किहदे नाल कराउंदे ने, जिवें तुहाडा किहदे नाल हो गया। तो जो प्रभु ने कहा तन ने वो जेड़े मिलाप कराउंदे ने, समझने, होरां दा भी, कि और लोग भी किहदे नाल मिल जाण। इदां नहीं कि मैं कई बार कईआं नूं दस्सिया भी, हाँ तुसीं भी दसो, बोले दस्सिया वो सुनते नहीं है, जाओ मरो परे, की करो जब मरो परे, फिर नहीं आते ना सही, नहीं नहीं नहीं, समझने। प्रभु यीशु मसीह ने चेलिया ने उन्होंने पत्थर लैके भी मारन लई पए, यीशु मसीह जदों एक नगर विच वचन दे लई स्नान दे लई गए, तो लोग पत्थर पत्थर लैके मतलब उन्होंने विरोध विच खड़े हो गए कि नहीं साढ़े नहीं आना, समझने। तो चेलिया नाल भी होया, पर वो इस तरह नहीं, उन्होंने कहा कि जाओ मरे परो, प्रभु ने इदा नहीं कहा कि जाओ पर हो, जाओ मरो परे, फिर लिखे फिर तू चाहत कर लगा उन्होंने लिए, की कर लगा, फिर चाहत कर लगा, मंगन लगा उस खुदा दे कोलों पिता दे, इस तरह नहीं कहा मरो परे, नहीं है तो ना सही, समझने। तू तद क्या धन ने बड़े मिलाप कराते ने, और भी समझने, स्वर्ग का राज उन्हों का। तन ने जो मेरे कारण सताए जाते ने, मेरे कारण कदी कदी कहना मेरे कारण तुम बोलियां भी, बोलियां भी बोलियां समझते ना, यीशु मसीह के नाम के कारण बोलियां भी, कई हो सकता लै तू ही इन्ने चिर से जाते तू की मिले, कह सकते कि नहीं कह सकते, पर की क्या उन्हें क्या तन आ जेडे मेरे नाम के कारण तुम बोलियां भी, वो लोग तन ने, तू की मिले इन्ने चिर जाते ने, पर तुम समझ तनु समझ आ जाने चाहिए है कि जिस परमेश्वर ने मेरे लिए इन्ना दुख उठा के मैनू उधार दिता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर परमेश्वर की चाहत है,
पूरी दुनिया नु जीवन दे दे सब नु चाहते है कि नहीं जाके सब मनुष्य बचाए जान और उस मेरे जीवन दे सच तक आ जान हर एक मनुष्य उद्धार पा जाए मुक्ति पा ले ये परमेश्वर की चाहत है समझे तो कभी कभी तो बोलियां भी वजन गया लै तू ही जानते तू कि मिले उ तो हो सकता अगर वो नहीं समझे इस पॉइंट नू चंगी तरह इस पॉइंट नू नहीं समझे तो हो सकता वो अपना मन खराब कर लेन हो सकता उस खुदावन उस उदार दे अंदर ही जो कितनी सामर्थ्य है ताकत है जितनी सब कुछ कर सकते बोलो की कर सकते हो सब कुछ कर सकते तो अगर नहीं समझ आई तो जा सकते हो बस समझ गए तो इसीलिए बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते बहुत सारे लोग इस गल नू समझ नहीं पाते इसलिए कईयों का मन डावांडोल भी है कईयों का मन की है डावांडोल भी है पर जो समझ गए ने वो अपनी परीक्षावां च अपने नाना प्रकार के दुखों के भी कि स्थिर रहेंगे कि बने रहेंगे और की करेंगे तीरस करेंगे और वो जानते हैं बोलो की करेंगे वो तीरस करेंगे समझ इसलिए इस पॉइंट नू चंगी तरह समझ जाओ कि समझ जाओ किन्ने लोग पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं जिन्होंने नहीं पाया अज तक जिन्होंने अज तक पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया जो खाली ने क्योंकि खाली भांडे चो आवाज आती परे विचों नहीं आती जिन्होंने अज तक पवित्र आत्मा का जे दान नहीं पाया तो ठीक है असी कल मिलेंगे इतने 10:30 जिन्होंने पवित्र आत्मा के दान नू अजे नहीं पाया मैं कल उन्हां दे लई मीटिंग करांगा मैं नहीं चाहुंदा कि कोई भी जन पिछे रहे मैं चाहुंदा कि जो उद्धार जिस यीशु मसीह के नाम च तुसी विश्वास कीता तुसी उहदी सामर्थ नू अपने जीवन च की करो उस परमेश्वर की ताकत नू अपने जीवन तो प्रकट करो की करो बोलो प्रकट करो प्रकट कि आप खुश नहीं हो बोलो खुश नहीं हो तो सोच रहे हैं कल भी आना पड़ेगा तो आज ही बड़ी मुश्किल आए हैं दाऊद कहना परमेश्वर का वचन सोने दिया हजारा मोरा नालों में एक जादूगर शमाउन नू जदों इस ताकत का जदों परमेश्वर दास फिलिप्पुस उस आत्मा दे नाल की कर रहा सी अद्भुत चिन्ह चमत्कार बहुत सारे रोगियों नू शिफा छुटकारा मिल रहा सी तो एक जादूगर लिखा बहुत सारे रुपये लेके आया बोलिया ये शक्ति मैनू भी दो ये शक्ति मैनू भी दो कि आप लेना नहीं चाहते बोलो लेना नहीं चाहते किन्ने न चाहते ने किन्ने चाहते ने तो जो चाहते ने परमेश्वर नाल तैयार है इसलिए आओ आओ असी उसको दादा थैंक्स करते हैं कि जिस परमेश्वर ने मेरे कर्म दे नाल नहीं है उदी बख्शिश उदी दया दे नाल मैं बचाया गया बोलो कि क्या मैं बचाया गया मैं बचाया गया आओ उसको दादा से शुक्राना करिए अपने हत्थां नू उठाओ कि बोलो कि परमेश्वर हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू निश्चय अपने वचन दे द्वारा तू मेरा उद्धार कर चुका है मैंने छुटकारा दे चुका मेरे खुदा दे चुका तू मेरे लिए कोई पीड़ा कोई गम नहीं है मैं विश्वास नाल तेरे विच जीवांगी तेरे उधार दी सामत नू परमेश्वर प्रकट करांगा क्योंकि ये मेरे अपने कर्म दे नाल नहीं है तेरे इस प्रेम नाल मेरे जीवन च होया ते और अज तो मैं इस गल नू कदी नहीं भुलांगा और रोज मेरे परमेश्वर इस गल नू याद करांगी कि हुण अज तो मेरे जीवन च उस पाप की प्रभुता का कोई अधिकार नहीं है पाप की प्रभुता का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तेरे नाम च मैनू छुटकारा मिल चुका है आमेन आओ असी सब अपने बीस नू बोवांगे उस खुदावन दे प्रेम दे लई असी अपने बीस नू अपने टाई अपने दशमांश नू बोवांगे उस खुदा दे लई क्योंकि ये भी सुनो ये भी सानू छुटकारा नहीं सी दे सकता कि दे सकता सी सानू जीवन दे पाप तो मुक्ति दे सकता सी पैसा दे सकता सी
पत्रस कहिंदा अन्न होना सी कि सोना चांदी बेमुल्लिए वस्तां तो सानू की मिलता, छुटकारा मिलता, की मिलता अन्न होना सी। पर कि दया कि प्रेम नाल हो गया, बोलो कि दया तो प्रेम दे नाल हो गया। इसलिए विश्वास करन दा मतबल आ, अगर तुहाडा मन इत्थे आ इहदे ते आ तो फिर अजे तुहाडा पूरी रीति नाल उधार नहीं होया। वीरवार असी एक वचन दसिया सी, एक विभ्याचारन स्त्री का जो शमौन नाम का एक यहूदी जिन्हों नहीं सॉरी फरीसी फरीसी सॉरी शमौन नाम का एक फरीसी नाम का बंदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने घर इनवाइट किया। सुनो सारे ध्यान ना की किया, उन्हें इनवाइट किया, बुलाया। तो उसी घर में एक विभ्याचारन औरत आई, कि आई बोलो कि आई विभ्याचारन औरत। तो वो आके अपने पाप ते अपने गुनाहों दे ले, सुनो सारे, क्या आप आशीष नहीं होना चाहते? बोलो क्या आप आशीष होना चाहते हो? चाहते कि खुदा मेरे जीवन में बदले और आशीष करे? बोलो चाहते हो? तो इस नियम नु समझो फिर कि वह किवें छुटकारा पा के गई। तो आई और लिखिया रो रो के उदे पैरां नाल उदे हंजुआ ना अपने हंजुआ दे नाल रो रो के उदे पैरां नु धो छुटिया और अपने वालां नाल पोछन लगी। तो और लिखिया बहुत महंगा इत्र, इत्र मतलब उस समय का एक तेल सी, बहुत महंगा तेल लेके आई, समझे? तो शमौन अंदर फरीसी खड़ा अपने किचन च वेख रहा कि अगर ये भिक्षकता हुंदा तेनू समझ आती कि ये जो स्त्री ये इस तरह कर रही है एक पापण है, क्योंकि यीशु मसीह किन्ना लिए आया धर्मियों लिखे पापियां ने। तो वो जो इस तरह कर रही तो वो सोच रहा इनू पता नहीं है कि इनू पता पता नहीं है। तू आया तो दे मन नू वेख के प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे घर आया, तू तू तो मेरे पैर पानी पैर पैर धोन लई पानी तक भी नहीं दिता, देख इन्हें मेरे नाल किन्ना प्रेम दिखाया, इन्हें मेरे नाल किन्ना प्रेम दिखाया, इन्हें तो मेरे रो रो के अपने हंजुआ नाल मेरे पैर धोते पहुँचे, तू तो मैनू पानी भी नहीं दिता, इन्हें मैं जदों का आया और ये मेरे पैरों नू चुम रही है, तू तो मैनू एक भी चुम्मा नहीं दिता, ये उदों दी चुम रही है। इसलिए उन्हें उन्होंने कहा इन्हें बहुत प्रेम दिखाया, कि दिखाया इन्हें बहुत प्रेम किया, इसलिए ये जिन्ने पाप से उन्ने की हो गए हैं माफ हो गए, क्योंकि जेड़ा घट प्रेम करेगा वो घट माफ हो गए, जेड़ा ज्यादा प्रेम करेगा वो पॉइंट है, जेड़ा घट प्रेम करेगा वो घट माफ पाप हो गए, जेड़ा ज्यादा प्रेम करेगा उधार तो सबनों मिले है, छुटकारा तो सबनों मिले, समझे? पर हुण जो घट प्रेम करेगा वो घट माफ हो गए, जेड़ा ज्यादा प्रेम करेगा वो ज्यादा माफ हो जाएंगे, समझे? जेड़ा ज्यादा प्रेम करेगा वो पूरी रीति नाल साफ हो जाएगा, समझे? जो घट करेगा वह घट होएगा, समझे? क्योंकि परमेश्वर का नियम है, बोलो कि नियम है परमेश्वर का नियम है, ठीक है? आओ अपने बीस न हत्थां विच लो, क्योंकि इस तो छुटकारा नहीं है, ये दे सकता सी छुटकारा, क्यों परमजीत सिंह जी दे सकता जी? नहीं सी दे सकता, इसलिए छुटकारा किदे लहू च है? यीशु दे लहू च। तो अपने भीस नू अपने टाई नू अपने हत्थां च लो, बोलो कि परमेश्वर आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो मेरे परमेश्वर, इच मेरा कर्म नहीं है खुदा, तेरा प्रेम है जो तू मेरे नाल कीता, तू मेरे जीवन नू दा उधार कीता, मैंने छुटकारा दिता मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। पर आज मैं इस गल विच भी मेरे परमेश्वर, इस बीच विच सताई विच भी मेरे खुदा, मैं तेरे इस नियम दे विच भी मेरे परमेश्वर, मैं पूरी रीति नाल वफादार हो पावां,
कि मैं तेरे तो पूरा पूरा उधार दी सामर्थ नू इस बीस दे राही में खुदा तेरी उस बरकत नू जो तू आप क्रूस ते उत्ते लटक के मैंने छुटकारा दे के परमेश्वर दिती है। मैं इस बीच विच परमेश्वर तेरे नाल वफादार हो के तेरे तो बहुत सारी आशीष नू पावा और कट पावा मेरे परमेश्वर मैंने भून वाला मन दे मेरे खुदा ताकि मैं आशीष तो वहां अमेन। हले 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 हालेलुया धन्यवाद यीशु हले 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 हालेलुया मुहैया करेगा मुहैया करेगा यहोवा यरी 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 मुहैया करेगा यहोवा यरी
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਵੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਉਧਾਰ ਬਲੀ ਵਾਦਾ ਏ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਵੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਉਧਾਰ ਬਲੀ ਵਾਦਾ ਏ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਵੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਏ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਵੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਏ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਵੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਏ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਨਾ ਛੁਡਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ 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 ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਯਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਯਹੋਵਾ ਯਰੀ
मुहैया करेगा यहाँ वायरी मुहैया करेगा यहाँ वायरी मुहैया करेगा यहाँ वायरी मुहैया करेगा यहाँ वायरी खड़े हो खुदा दी सब दिल से रूह से मोहैया करेगा मोहैया करेगा तेरे नाल खड़े हो
सुनो सुनो किन्ने विश्वास करते ने कि उदा साडे नाल वादा है। परमेश्वर दास जर्मिया ने कहा कि नदियां तेनू डुबो नहीं सकनगियां और अग तेनू साड़ किदा वादा है। अगर तेनू नदियां डुबो नहीं सकनगियां अग तेनू साड़ नहीं सकती तेरा कुछ अगर अग नहीं कुछ बिगाड़ सकती तो हालात की ने छोटे मोटे पीड़ा दुख हालात की ने है ने कुछ बोलो है ने कुछ नहीं है। इसलिए किदा वादा है किदी प्रतिज्ञा है किन्ने वादा किया है। इसलिए उस खुदा दे उस प्रेम ते आनंद नाल पढ़ के गाओ खुदा दे लई दिल तो दिल से दिल से तेरे नाल खड़े दा हर पल वादा है अग पानी विच नाल रवे रब सदा है। तेरे नाल खड़े दा हर पल वादा है अग पानी विच नाल रवे रब सदा है। अग पानी विच नाल रवे रब साडा है अग पानी विच नाल रवे रब साडा है। हाथ ना छुड़ावे विच मुश्किल घड़ी 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 मुहैया करेगा आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। और सुनो मैंने परमेश्वर ने होने उन्हें एक गल बोली कि ये जो महीना शुरू हुआ लास्ट बोलो की है लास्ट 2019 दा लास्ट मंथ है समझे ना लास्ट है ना। और परमेश्वर ने मैंने दसिया कि इस महीने दे विच जो लोग मेरे नाल हर संडे वीरवार मेरी हजूरी च रहने के मैं उन्होंने बहुत ब्लैस करने वाला मैं सच्ची कह रहा मैं पहला क्यों नहीं बोली ये गल कि मैं जिमें ही इतने खड़ा और मैं पिता ने बोलिया कि मेरे लोगों बोल क्या है कि इस लास्ट मंथ विच पूरे इस लास्ट 2019 दे विच महीने दे विच हर संडे वीरवार मेरे पता नहीं परमेश्वर एक वचन नाल तुहाडी लाइफ नू चेंज कर सकता कि नहीं बदल सकता
एक वचन भी थोड़ी जिंदगी नु चेंज कर देगा, बदल के रख देगा। एक वचन समझने सारी लाइफ थोड़ी जिंदगी भर तुसी आनंद और खुशी नाल जियो, समझ रहे हो। इस करके मनुष्य दा समझ के ना लियो, किदा समझ के लियो, मैं सच्ची कह रहा देखना। और इस वीरवार भी खुदा दी बिग ब्लेसिंग होएगी, चवाण के देखना, खुदा दे अनुग्रह नू दे प्रेम नू वेखणगे, समझने बहुत होएगा। इस वीरवार भी खुदा बहुत अपना अनुग्रह प्रकट करेगा थोड़े उत्ते, की करेगा, क्यों करना चाहता है, ये नहीं है कि नहीं चाहता। सुनिए ना, वो सबनों उधार का मतलब सबनों छुटकारा देना चाहता है, और वो दे चुका है, पर पॉइंट नियम एक पॉइंट है, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस गल नू याद रखना। आज मैं बहुत सारे मैं देखे बहुत सारे लोगों नू तुहाडे विच गले की प्रॉब्लम कारण मुश्किल है तुहाडे चो कई नू, पर अज कितने लोग विश्वास करते हैं, कई परमेश्वर आजाद करेगा। अज तुसी अपनी बीमारी नू बोलना। देखो मैं एक चीज़ दसदा, कई लोगों नू मतलब जदों जिवें संगति खत्म होगी तो वो उत्थे खड़े रहिंदे ने, उन्हां नू पता नहीं नियम दा, वो शायद सोचते मैं बाद विच दसांगी, मैं बाद च प्रार्थना करांगी। जदों खुदा दा आत्मा तुहाडे लई बोल रहा है, कह रहा, तदों की करो, बोलो की करो, समझे। तो बाद विच नहीं है कि मैं बाद विच आवांगी, तदों जदों मैं बोल रहा, रसीव करो, ग्रहण करो वचन नू, की करो अपने जीवन च ग्रहण करो, और अपनी बीमारी नू बोलो कि मेरे जीवन चो निकले, और चाहे यीशु मसीह तेरे नाम च। अगर किसी दे लई कुछ आ रहा मेरे मुक्तों तो ग्रहण करे, रिसीव करो, बोले यस आ मेरे लिए हो गया मेरे लिए बिना हो गया, मैं तेरे कोड़े खान तो चंगी है, तेरे में वचन चले गया, मेरे लिए हो गया, मेरे वास्ते हो गया। अगर किसी दर्द है, मेरे यीशु मसीह अज तेरे नाम जा चुकी है मेरी, मैं तेरी पवित्र हजूरी च हाँ, तेरे लोगों च खड़ी और ये नहीं है मेरे। अगर चलन फिरन च किसी ने मुश्किल है तो विश्वास नाल चले, क्योंकि खुदा अपना अनुग्रह कर चुका। इसलिए आओ अपनी अखन बंद करो, असी सब प्रार्थना जावांगे, सब प्रार्थना करांगे। जो गैर भाषा में प्रार्थनाएं करते हैं वो गैर भाषा में करें, सब प्रार्थना करें, गिटार सब प्रार्थना, सब प्रार्थना की हालत में जाएं, सब प्रार्थना की हालत में जाएं और मांगना शुरू करें कि खुदा तेरे अनुग्रह, तेरे उद्धार की सामर्थ आज मेरे जीवन में काम करे। जो तूने अपना बलिदान देके, क्रूस के ऊपर अपना जीवन देके मेरे परमेश्वर तूने मुझे छुड़ाया है, तूने मुझे बचाया है, तूने मेरे जीवन का उद्धार किया, किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने नहीं, जो तेरा बड़ा प्रेम है जो परमेश्वर तूने मेरे साथ किया है। इसलिए मेरे खुदा, मेरे जीवन में अगर आज कोई दुर्बलता, बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको बोलो यीशु मसीह के नाम से कि जाए, बोलो 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 बोलो, बोलने के अधिकार से बोलो, अधिकार से बोलो, अधिकार से बोलो। जिनके पेट में दर्द है वो बोले कि यीशु मसीह के नाम से चली जाए। अगर आज से आप, अगर कोई फर्स्ट डे पहले दिन भी आया है, अगर आज से यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करता है, उस पर विश्वास करता है, तो खुदा आज ही उसको छुटकारा देने वाला है। जो पेट के रोगी वो पेट पर हाथ रखे और बोले कि यीशु मसीह के नाम से ही मेरी जो दर्द है, मेरी पीड़ा है, चाहे। गले के रोगी अपने गले में हाथ रखे, जो गले के रोगी हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैंने देखा है आज गले के रोगियों को, जिसके कारण उनको खाना पीना भी मुश्किल है, पर खुदा का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा और आप आजाद हो रहे हो। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, होली गोस्ट फायर के साथ आज खुदा आपके जीवन में काम करे। रिबो संग्रोरी अल्लाह बाबा रिशम बबुबुरु संबा बाबा बाबा
अरीबा सकरार दी संभव बुरा ना बार 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 अपने मन परमेश्वर की ओर लगाएं कानू के रोगी अपने कानू पर हाथ रखें जिनकी बैक पेन में दर्द है वहां पे हाथ रखें परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा और आप आजाद हो रहे हो चंगे हो रहे हो री सखरो लिया बाबा बरी शंभो बोर संभो बोरी असंभव बाबा री बार री संभो बोरा री शंभो बाबा 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 हर आपके जीवन से पीड़ा हम दर्द आपको छोड़े और जाए आंखों के रोगी आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से आंखों के रोगी आजाद हो जाए आपका आंखों की कमजोरी पन यीशु के नाम से चला जाए आंखों का जो कमजोरी पन है वो सारा जाए यीशु मसीह के नाम से चाहे आपकी आंख में मोतिया है आप छूट जाओ उस मोतिये से और आजाद हो जाओ चंगे हो जाओ इसी समय आजाद हो जाओ चंगे हो जाओ सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाएं चंगे हो जाएं सब छूट जाएं अपनी बीमारियों से जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है बीपी के रोगी शुगर के रोगी काले पीलिया का रोगी उसके जीवन से बीमारी जाए आज से मैंने बोला जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम से छूट जाए Now this time be free. Free the name of Jesus. Free the name of Jesus. हर एक अंधकार की आत्माएं आप पे बैठी दुष्ट आत्माएं शिपी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलें और जाएं हर अंधकार की गंदी दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन में छिप कर बैठी हैं मैं कमांड करता हूं ऐसी आत्माओं को आपके जीवन से निकले और जाएं आपके जीवन से निकले और जाएं अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए बोलो कि जाएं इस सिस्टम में निकले बीमारी हर पत्थरी का दर्द और अंदर छिपी अंधकार की पत्थरी यीशु मसीह के नाम से बार आए बार जाए अभी अब छूट जाओ अपनी बीमारियों से जितने भी टाइफाइड के रोगी आजाद हो जाए जितने को भी बुखार की आत्माएं वो बुखार से छूट जाए जिनके शरीर में वीकनेस है खून की कमी है वो सब आजाद हो जाए आज यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए हड्डियों के रोगी अच्छे हो जाए जिनकी हड्डियों में दर्द है वो दर्द उनको जीवन से निकले और जाए हड्डियों के रोगी जो हड्डियों में दर्द है वो मैंने बोला जाए हड्डियों के रोगी छूट जाए इसी समय उनकी दर्द जाती रहे जिनके घुटनों में दर्द है मैं कमांड करता हूँ प्रभु का दास होने के नाते घुटनों के दर्द आपके जीवन को छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम से छोड़े और जाए Now this time, be free the name of Jesus. Free the name of Jesus. अभी इसी समय आपके अंदर के रोग आपके अंदर के जिस्म के रोग आए यीशु मसीह के नाम से उल्टी के राय बाहर आई आपके अंदर के रोग उल्टी के राय बाहर आए यीशु के नाम से
सारी गंदगी, पाप की गंदगी आपके जीवन से आज निकले और आप छूट जाएं, आजाद हो जाएं, छूट जाएं, छूट जाएं, छूट जाएं, छूट जाएं, छूट जाएं। बंद पेट खुले यीशु के नाम से, बंद कुखे खुले यीशु के नाम से, बंद कुखे खुले यीशु के नाम से, इसी समय खुले। नशे की आत्माएं, जिनके घर में नशे की आत्माएं, जिसके पति के नशे में या बच्चों के जीवन में नशा है, वो नशे की आत्माओं को मैं कमांड करता हूं, मैं आज्ञा करता हूं, हर अंधकार की नशे की आत्माएं आपको छोड़े और आ जाए, छोड़े और जाए, छोड़े और जाए, छोड़े और जाए, छोड़े और जाए। गले के रोगी सब तमाम चंगे हो चुके हैं, गले के रोगी मैंने बोला तमाम चंगे हो चुके हैं। सिर के रोगी जितनों को भी सिर का रोग था वो भी अच्छे हो चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको छू चुका है। उशास से चाहत करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर अपना काम कर चुके हैं, परमेश्वर अपना काम कर चुके हैं। जिनसे जो नहीं होता वो करें, जिनसे जो नहीं होता वो करें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा का आत्मा यहाँ पे मौजूद है, उसका मसा आपके बीच में काम कर रहा है, उसका पवित्र आत्मा का मसा आपके जीवन में काम कर रहा है और आप छूट रहे हो, आप आजाद हो रहे हो, आप छूट रहे हो अपनी बीमारियों से, हर प्रकार की पीड़ा से, हर प्रकार की पीड़ा से। मैं आपकी हर फोटोस को, आपकी हर वीजा फाइल पासपोर्ट को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज से जो चीजें, जो लोग आपके विरोध में हैं वो आपके पक्ष में हो, जो लोग आपके विरोध में हैं वो आपके पक्ष में हो, जिनके ऊपर पाप का कर्ज है वो सारा कर्ज जाए यीशु मसीह के नाम से। आज से पाप के कर्जे के रोगी आजाद हो जाए यीशु के नाम से, पाप के कर्जे के रोगी मैंने बोला आजाद हो जाए यीशु के नाम से। आज से वो छूट जाए, छूट जाए आपके बच्चों के जीवन से, आपके छोटे बच्चों के जीवन से जो बीमारी या बुखार की, आज से वो निकले और जाए, निकले और जाए, निकले और जाए, निकले और जाए। छोटा वर्षिप सॉन्ग, तो सब अपनी अखां बंद रखांगे असी इस वर्षिप सॉन्ग नाल, खुदा दी उस और भी भरपूरी नूं अपने जीवन च लवांगे, उस चंगियाई दे शिपा नूं। तो अपनी अखां बंद करके असी अपने मन नूं परमेश्वर दी ओर लगाएंगे। तेरे छूने से रिबस सक्रिया लबा, तेरे छूने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, 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 क्योंकि खुदा आपको छू चुका है। रिसबोरिया रदिशम बाबा 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 रिस दिखारिया रिसंत्रोलिया लालाला बाबा रा हालात बदल जाते, दिफ्रंगिया रिखारा रिसंबोरिया लाबा बारा रा हालात बदल जाते, रिसंक्रिया यीशु तेरे शूने से, दिसंत्रोलिया रा रिशा बाबा बाबा यीशु तेरे शूने से, यीशु तेरे शूने से, यीशु तेरे शूने से, तेरे हालात बदल जाती हैं, हालात बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे शूने से, यीशु तेरे शूने से, यीशु तेरे शूने से, यीशु तेरे छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल
सुने खुदा का ये अनुग्रह होता उसका प्रेम है, ये उसका अनुग्रह उसका प्रेम है जो आपसे उसने किया है। और वो खुदा यहां पे मौजूद है जो आपको छूना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। बोलो क्या करना चाहता है वो, अपना मन और भी लगाए। हाँ बोले तो हालेलुया। तो प्रेर जी ये दस रहे ने के एक हफ्ते तो इन्हों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा सीगा, और ये दस रहे ने कि जो ही खुदा के दास ने बोलिया कि सब प्रार्थना में जाओ, और ये दस रहे ने कि मैं प्रार्थना में गई और दस रहे कि परमेश्वर के आत्मा ने मैंने छूया, और उस वेले उस सारी दर्द तो परमेश्वर ने आजाद कर दिया शब्द के सामर्थी नाम। तारीफ करा खुदावान के कमां के लिए तारीफ करा। सारा अंधकार की शक्ति को इस दौरे की आत्मा से यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया हालेलुया मुझको पिला दे तू जीवन
एक दर्पण हूँ मैं, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, उजड़ा हुआ एक आंगन 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 हूँ मैं। बारह बरस की रोगन हूँ मैं, मुझे छूले उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं, उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं, बारह बरस की रोगन हूँ मैं, मुझे झूले 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 तू, 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 झूले तू, मुझे झूले 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 तू, बोल बोल क्यों बोल की नाम है तेरा, चल छोड़ इसके पेड़ को, छोड़ चल, बोल क्या नाम है तेरा, बोल 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 बोल, चल आ तू यीशु मसीह दी पनाह विच है, बोल बोल गंदी आत्मा, बोल की नाम है तेरा, बोल बोल, चल बोल के नाम है तेरा, बोल बोल, चल चल, सारी अंधकार की जकड़न, गंदी दुष्ट आत्मा, इसके शरीर को जकड़ने वाली दुष्ट आत्मा, प्रभु का दास होने के नाते तुझे मैं कमांड करता हूं इसी समय, चल चल चल, अब Out! Out! The name of Jesus be free! 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 Free the name of Jesus! Free the name of Jesus! Thank you, Jesus, Pavitra Atma. Thank you, Jesus, Pavitra Atma. Thank you, Jesus. My Lord Jesus, thank you. I'm sure you came. सब सब जाएंगे हम परमेश्वर की वर्षिप पे जाएंगे, सब खोल देंदा है, खोल देंदा है यीशु सकरे रामानु, खोल देंदा है, खोल देंदा है, खोल देंदा है यीशु सकरे रामानु, खोल देंदा है, ओ यीशु सकरे रामानु, खोल देंदा है यीशु सकरे रामानु, खोल देंदा है यीशु सकरे रामानु, खोल देंदा है सकरे रामानु, खोल देंदा है, खोल देंदा है, खोल देंदा है यीशु सकरे रामानु, खोल देंदा है, ओयो हुंदा है, ओयो हुंदा है यीशु अपने जो मुख विचों बोल देंदा है, ओयो हुंदा है, ओयो हुंदा है यीशु अपने जो मुख विचों बोल देंदा है, हालेलुया 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 Hallelujah.
हालेलुया 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 तेरे शूने से तेरे शूने से शूने से
यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों यीशु के खून में है शिफा, दिल से रूह से शिफा।
रूह से भर कर गाएं। आज शैतान शर्मिंदा होएगा, मैंने बोला आज शैतान शर्मिंदा होएगा, आज शर्मिंदा होएगा शैतान, रूह के आत्मा से भर जाए। आज करें शैतान को शर्मिंदा करें, आज शर्मिंदा करो शैतान को, शर्मिंदा करें उसके रूह और आत्मा से मसे के भर जाओ, भर जाए, भर जाए। आमेन, हालेलुया। कितने लोग आनंदित ने, खुश ने, और मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। कितने लोग का अनुखोदा दे आत्मा ने शुया आज, कितने लोग का अनुशुया है, कितने लोग का अनुशुया है। आगे आ जाएंगे जिनको खुदा के आत्मा ने शुया है, जल्दी से भाग कर। अगर आपको ज्यादा विश्वास, आप दौड़ कर आओगे। नहीं, इनकी गवाही तो हो चुकी, नहीं आपकी गवाही तो हो चुकी। हाँ हाँ, आगे दौड़ कर आए, दौड़ कर, क्योंकि जिनको विश्वास है, जिनको रिसीव करना आता है, ग्रहण करना आता है वचन, जिनको रिसीव करना, ग्रहण करना आता है वचन, वो जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी चंगाई को, उसकी ताकत को, कि खुदा कैसे काम करता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। गले के रोगी बहुत सारे अच्छे हो चुके हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो हालेलुया। तो प्रेरित ये दासी बहने के इन्होंने जो बेटा इन्होंने हाथ विच फड़िया, इन काफ़ी समय तो बहुत सारे दौरे पै रहे थे, और ये दस रहे ने कि अज डेढ़ बजे का इस बेटे बेटे नूं दौरा पिया, और असी भी देखा इन्हों का शरीर पूरा कंब रहा, और ये मूँह के बहुत सारी झग भी आ रही थी, और ये दस रहे ने कि जो ही खुदा के दास ने इतने आ के बेटे ने छूया, और ये दस रहे ने कि हम कोई शरीर नहीं हलिया, कोई मूँह के झग नहीं आ रही, और यीशु मसीह सामर्थ और पवित्र नाम से पूरी तरह फ्री हो चुके हैं। दिल से जोर से कलीसिया, मनप्रीत जल्दी करो माइक,
ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨੱਚੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਨੱਚਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋਰ ਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋਰ ਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਸੱਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨੱਚ ਕੇ ਝੂਮ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗਵਾਈ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤੋ ਬ੍ਰੇਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਦਰਸ ਸੀਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਸ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਔਰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਝ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਵਾਈ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਮਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
खुदा दे दास ने जब मैंने टच किया और ये दस रहे कि परमेश्वर की आत्मा ने छूया और यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम हम कोई दर्द नहीं है। यीशु के जिंदा नाम पूरी तरह फ्री हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के कलम कामों के लिए तारीफ करेंगे खुदावंद परमेश्वर की। प्रेर जी दसते पे ने कि इन्हों की खब्बी बांह में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और कहते कि ता भी नहीं सी जाती और अंदर परमेश्वर की सेवा कर रहे थे खाने की और इन्हें दसिया कि मैं अंदर बैठे ही रिसीव किया और जो बांह कहते पूरी तरह ता नहीं सी जाती हूँ एकदम परमेश्वर ने बिल्कुल वधिया कर दी आ और कोई कहते मेरी बांह से सोज नहीं है मेरी बांह पूरी तरह ता जा चुकी है। लो जी उन्होंने मैं क्या नहीं ऊपर ही करके दिखाती और से तारीफ करेंगे। तो हालेलुया। तो प्रेरित जी दसते पे ने कि इन्हों के पेट विच और सिर विच बहुत ज़्यादा दर्द सीगा और ये दस रहे ने जो खुदा दे दास ने मेरे सिर उत्ते हाथ रखा और ये दस रहे ने कि हुण कोई दर्द नहीं आ यीशु दे सामर्थ्य और जिंदा नाम दे विच पूरी तरह फ्री हो चुके ने और तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए खुदा दे कमां लई तारीफ करेंगे। प्रेरित जी दसते पे ने कि इन्हां दे पेट विच दर्द हो रहा सी और इन्हें दसिया कि प्रेर जी थोड़े मुख तो हीलिंग हो रही थी कि जिन्होंने किसी भी तरह की दर्द है फ्री हो चुके हैं और कहते कि मैं रिसीव किया और इस समय परमेश्वर ने इन्होंने बिल्कुल दर्द तो फ्री कर दिता वा। इस गल यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रेर जी ये दस देने के मैं परमेश्वर का खुश हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन च बहुत सारे कामों कर रहा प्रगट करता वा, परमेश्वर को जो मैं मंगता मैं परमेश्वर दे रहा वा और इस गवाही नहीं है जो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दसते पे ने कि दो दिन तो इन्हों का पूरा शरीर और सिर में काफ़ी दर्द रहता सी और दसते पे ने कि अज परमेश्वर के आत्मा ने जो छूया तो कहते उस दर्द तो फ्री हो चुके ने। इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रेर जी ये दस रहे हैं कि इन्होंने सिर में काफ़ी समय तो दर्द रहता सीगा और ये दस रहे हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने हुणे उन्हें जो छूया और यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम च पूरी तरह फ्री हो चुके हैं। तो हालेलुया। तो प्रेर जी ये दस रहे हैं कि जो खुदा के दास ने बोलिया कि जिन्हों के गले में प्रॉब्लम आ और यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम फ्री हो रहे हैं और ये दस रहे हैं कि मैं अपने गले के उत्ते हाथ रख के परमेश्वर के बोलिया प्रार्थना की और खुदा के दास ने मैनु छूया और दस रहे बहुत ज़्यादा दर्द सीगा जो उस वेले ही आजाद कर दिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम। तारीफ 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 खुदा के नाम की, खुदा के कामों के लिए तारीफ।